कल हम लोग क्लास स्टार्ट हो रही है, आप जुड़ जाइए जी। ओके सर, उसी लिंक पे क्लिक करके जुड़ जाइए सर। स्पाइन सीधी रखेंगे, ओके सर, ध्यान मुद्रा में 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। वह शक्ति हमें अन्याय से निष दिन दूर रहे, जीवन को शुभ सरल अपना कुछ प्रेम सुधारस बरसा, वह शक्ति हमें प्रभु ध्यान अभिमान रहे, जिस दिव्य भूमि में जन्म बलिदान उसी पर हो जावे, वह शक्ति हमको जीवन सफल बना जावे। हमारी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में निरंजन जी उपस्थित हैं, जो हमारे समवाय फाउंडेशन के साथ भी जुड़े हुए हैं और इसके साथ एस्पस के वो पेटके भी ले चुके हैं और एस्पस के स्टूडेंट होनहार छात्र रहे हैं और इस समय नोएडा में हैं। हमारे बीच में वर्षा श्रीवास्तव उपस्थित हैं, जो हमारे समवाय फाउंडेशन की उपाध्यक्ष हैं, उनका भी स्वागत है। हमारे बीच में ललिता कुमारी जी उपस्थित हैं, जो इस समय दिल्ली में है और वो भी हमारे एस्पस की बहुत होनहार छात्रा रही हैं और उनका भी स्वागत है। वो हमारी फैकल्टी भी हैं। हमारे निरंजन कुमार गुप्ता और ललिता कुमारी जी है, जो हमारे फैकल्टी इस समय हैं। हमारे बीच में मुन्नी त्रिपाठी जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर थर्ड के स्टूडेंट हैं, उनका भी स्वागत है। हमारे बीच में पूर्वा बाहेती जी उपस्थित हैं, वो हमारे सेमेस्टर दो की स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय कुमार जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर दो के स्टूडेंट हैं, उनका भी स्वागत है। हमारे बीच में तिवारी जी, कमलेश तिवारी जी उपस्थित हैं, वो हमारे सेमेस्टर थर्ड के स्टूडेंट हैं और वो भी फैकल्टी के रूप में हमारे यहाँ आएंगे। पूर्वा बाहेती जी भी फैकल्टी के रूप में आ चुकी हैं, तो हम सभी लोगों का स्वागत कर रहे हैं। हम समवाय फाउंडेशन के हैं और हम
एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध है। वहां के तीन मनीषियों के हम ऋणी हैं। वे मनीषी हैं ब्रह्मलीन एमपी खेमका सर, दूसरे हैं आदरणीय जेपी अग्रवाल सर जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, और तीसरे एपेक्स बॉडी के चेयरमैन श्री एस एस सराफ सर। इन तीन मनीषियों के अतिरिक्त हमने अन्य गुरुओं से जो शिक्षा ग्रहण किया है, चाहे वो चिकित्सा शिक्षा हो चाहे वो शिक्षा हो, उसको हम आपके माध्यम से मोटो को वहां संस्थान के मोटो को ध्यान में रखते हुए जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व फैलाना चाहते हैं। और ये ऐसी विधा है जो कम खर्चीली है और इसका कहीं नुकसान कम होता है, नुकसान बहुत होता ही नहीं है। ऐसे दशा में इस विधा का लाभ सबको मिले, सब व्यक्तियों को मिले, हमारी ये इच्छा है। तो आप भी साधुवाद और धन्यवाद के पात्र हैं क्योंकि आपके माध्यम से यह शिक्षा विधा, यह चिकित्सा विधा जन 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 जागरण अभियान के तहत सब लोगों में पहुंचेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। और हमारे संस्थान का जो उद्देश्य है ईच वन रीच वन, ये शायद पूरा हो जाएगा। तो मैं अधिक वक्त नहीं ले रहा हूं, आज हमारे ललिता कुमारी जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है, और वो फैकल्टी ग्रुप में है स्ट्रेटाइज वन में थर्ड चैप्टर को पढ़ाएंगी 5 शू पॉइंट्स पर। तो मैं शेयर कर दे रहा हूं। किताबें कुछ नहीं दिख रही, शेयरिंग हो रही है? ललिता जी यही पर था, आगे है यही पर है। आप म्यूट है। सभी को नमस्ते। नमस्ते। कल हम लोग पढ़े देखे थे 5 सू पॉइंट्स के बारे में, और आज उसी को कंप्लीट करेंगे। तो 5 सू पॉइंट अपने आप में कंप्लीट ट्रीटमेंट है, कंप्लीट उपचार है, ठीक है। सिर्फ 5 सू पॉइंट से ही आप किसी व्यक्ति को किसी भी तरह की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। बस उसको ध्यान में रखिएगा कि कैसे, मतलब 5 सू पॉइंट जो चार्ट बनी है पिछले पेज में आप लोग देखे होंगे, वो 5 सू पॉइंट्स को देख देख कर किसी भी ऑर्गन को बैलेंस कर सकते हैं। और इसलिए इसे 60 कमांड पॉइंट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, पूरे बॉडी का उपचार हो सकता है, पूरे बॉडी का कमांड हो सकता है इस पॉइंट से, इसलिए इसे 60 कमांड पॉइंट कहते हैं। तो कल हम लोग देखे थे जिंगवेल पॉइंट्स के बारे में कुछ, जो कि जिसे इमरजेंसी पॉइंट भी कहते हैं। तो वो जिंगवेल पॉइंट काफी इम्पोर्टेंट है, तो वो भी आप लोग थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, जैसे कहीं भी अचानक जरूरत लगे तो याद रहना चाहिए कौन सा जिंगवेल पॉइंट कहाँ आता है, लोकेशन भी उसका जरूरी है, ठीक है। तो कुछ उसमें लास्ट पॉइंट होते हैं जो मेरिडियन के है, जैसे उनसे जिंगवेल पॉइंट K1 और GV26 को छोड़कर बाकी सब नेल के किनारे किनारे होता है, ठीक है। K1 और GV26 को छोड़कर तो किनारे किनारे जो होते हैं, तो उसमें से कुछ मेरिडियन के लास्ट पॉइंट होते हैं, कुछ मेरिडियन के फर्स्ट पॉइंट होते हैं, और मतलब फर्स्ट पॉइंट से स्टार्टिंग होता है और कुछ लास्ट से स्टार्टिंग होता है। तो वो पॉइंट्स आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। जिंगवेल पॉइंट्स के बाद आता है यंग स्प्रिंग पॉइंट्स, थोड़ा सा ऊपर की इसमें क्या होता है, जो हमारा इन ऑर्गन होता है यंग स्प्रिंग पॉइंट उसे कहते हैं, जो भी इन मेरिडियन है, जो इन ऑर्गन है, ठीक है, उसके फायर पॉइंट 5 to 2 points में से ही है ये, जो भी है ना जिंगवेल पॉइंट, स्प्रिंग पॉइंट, स्ट्रीम पॉइंट, या फिर रिवर पॉइंट, या फिर सी पॉइंट, जो ये सब पांच ये जो एनर्जी का फ्लो सिस्टम है ना, उसमें से सभी पॉइंट जो 5 सू पॉइंट्स के अंदर आता है वही सब पॉइंट्स है। लेकिन हमें इसमें देखना पड़ेगा कि कौन सा पॉइंट्स कौन सा मतलब कौन सा पॉइंट्स
किसका है, कौन से धातु का है या फिर कौन से एनर्जी का है, ठीक है। तो जो हमारा इन ऑर्गन है, जितने भी इन ऑर्गन है उसका फायर पॉइंट स्प्रिंग पॉइंट कहलाता है, ठीक है। और यांग ऑर्गन के वाटर पॉइंट को स्प्रिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो ये जो फायर पॉइंट है और वाटर पॉइंट है, ये एक दूसरे को बैलेंस करने का काम करता है कि अगर कहीं भी अग्नि बड़ी है तो जल की मात्रा को बढ़ाकर अग्नि को कम कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। और उसी तरह फिर अगर वाटर कहीं भी वाटर तत्व बड़ा हो तो हम फायर को बढ़ा के वाटर को कम करके बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो यह है स्प्रिंग पॉइंट्स का काम। जितने भी इन ऑर्गन है उसके फायर पॉइंट्स को स्प्रिंग पॉइंट कहते हैं और यांग ऑर्गन के वाटर पॉइंट को स्प्रिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। ये कब कम आता है, या तो किसी को ठंडी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, वाटर पॉइंट ठंडी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, या फिर गर्मी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो इसमें देखते हैं वाटर पॉइंट्स ऑफ यांग मेरिडियन, जो भी है जो भी यांग मेरिडियन है उसके जो वाटर पॉइंट्स है वो यहाँ पे लिखा है कि जैसे गॉल ब्लैडर का वाटर पॉइंट है 43, स्मॉल इंटेस्टाइन का वाटर पॉइंट है SI2, UB62, यूरिनरी ब्लैडर का है, स्टमक का है 44 और ट्रिपल वार्मर का है TW2 और लार्ज इंटेस्टाइन का है LI2, ठीक है। ये वाटर पॉइंट है यांग मेरिडियन के। फायर पॉइंट्स ऑफ इन मेरिडियन, जो फायर पॉइंट्स है इन मेरिडियन का, वो H8 है, P8 है, SP2, LU10 और K2 और LIVER2 है। ट्रीट कोल्डनेस सिम्टम्स, मतलब ठंडे शरीर में ठंड लग रहा हो जिसे, या फिर ठंड वाले सिम्टम्स हो, ठंड वाले लक्षण हो, तब हम इस पॉइंट्स का उपचार करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं कि अगर जो गर्मी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, हॉटनेस सिम्टम्स जो होता है वो क्या क्या होता है वो देखते हैं। तो जैसे किसी को फीवर हो, ज्वर हो, लाल जीभ हो, ठीक है, पित्त बढ़ा हुआ हो, अधिक प्यास लगे, अगर शरीर में गर्मी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक है कि प्यास ज्यादा लगेगी, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक्स पीना चाहे, सोए, ठंडा भोजन, ठंडे पे, मतलब अगर गर्मी है उनको, ठीक है, मतलब अगर गर्मी वाली दिक्कत है तो वो ज्यादा ज्यादा ठंडे चीज की मांग करती है ताकि वो बैलेंस कर सके, ठीक है। तो वो ठंडा पानी पीना चाहेगा या ठंडे भोजन करना चाहता है, ठीक है। सूखे कटे लाल होंठ होंगे, तुनंग मिजाज, बेचैन, फैलकर पीठ के बल सोए, हाथ और पैर गर्म एवं जलन, कब्ज, ठीक है, फास्ट पल्स, पेशाब कम, गर्म लगना, ये सब है हमारा हॉटनेस वाले सिम्टम्स। ये अगर ये सब दिक्कत आए तो हम इस दोनों पॉइंट्स को बैलेंस कर सकते हैं लगा के, ठीक है। अब है कोल्डनेस की। कोल्डनेस हो तो, मतलब कोल्डनेस वाले सिम्टम्स हो, शरीर में कोल्डनेस बढ़ा हो, तो क्या क्या हो सकता है, जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा जो भी हम आगे देखे ना, कि ठंडा गर्म गर्म वाले सिम्टम था ये, जैसे ऊपर था कि हॉटनेस वाली में फैल कर सोना चाहता है, तो इसमें सिकुड़ कर सोना चाहेगा क्योंकि ये कोल्डनेस वाली है। शरीर में हॉटनेस का मतलब ये है कि शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो रहा है, ठीक है, और वही कोल्डनेस का मतलब है कि ब्लड सर्कुलेशन कम है। जहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन अधिक होता है, जहाँ पे हीट ज्यादा होती है, वहां पे व्यक्ति ज्यादा एक्टिव होता है, और वही ज्यादा जहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन कम होता है, ठीक है, और गर्म गर्म कम होता है, शरीर में हीट कम होती है, तो वो क्या होता है, वो उतना एक्टिव नहीं हो पाता है, ठीक है। तो जस्ट वो, मतलब उसके अंदर एनर्जी भी वो कम महसूस करता है और उसको वो, मतलब सिकुड़ के सोना चाहता है, ठीक है। बात ना करना चाहे, पीले या काले होंठ, ये बात है ही कि जहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन ना हो वहां पे ब्लूइश दिखती है, पीले या काले होंठ हो जाएंगे, ठीक है। नाखून चंद्रमा के आकार की हो जाएगी, जो आप लोग देखे हैं कि नाखून इधर यहाँ पे चंद्रमा के आकार की हो जाती है, ठीक है। सफेद कफ, पानी की मात्रा काफी, कफ की मात्रा काफी ज्यादा हो जाती है, प्यास नहीं लगती है। अगर ठंडे, जिनको ठंडे वाली सिम्टम्स है उनको प्यास कम लगे क्योंकि ऑलरेडी उसके शरीर में ठंड बढ़ी हुई है, तो उसको प्यास भी कम लगती है, ठीक है। पेशाब ज्यादा होता है, पतले दस्त होता है, स्लो पल्स, हाथ पैर ठंडे, हाथ पैरों के तलवे में भी ठंड लगती है जिनको ठंड वाली सिम्टम्स होती है, या फिर जिनको ठंड ज्यादा लगती है, ठीक है। ये सब जो ठंड, दो चीज देखे आज हम, कोल्डनेस सिम्टम्स और हॉटनेस सिम्टम्स। तो ये सिम्टम्स को देखकर हम ये कोल्डनेस पॉइंट को और हॉटनेस पॉइंट को लगा के बैलेंस कर सकते हैं।
ठीक है। अब देखते हैं स्ट्रीम पॉइंट्स, टू स्ट्रीम पॉइंट्स, ठीक है। टू स्ट्रीम पॉइंट्स में क्या होता है, जो हमारा इन ऑर्गन है उसका अर्थ पॉइंट होता है और यांग ऑर्गन का उड पॉइंट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, रूमेटिक डिसऑर्डर में जब हाथ एवं पैर के स्मॉल जॉइंट्स में क्रोनिक और सब एक्यूट प्रॉब्लम हो तो टू स्ट्रीम पॉइंट्स का उपयोग कर सकते हैं, अर्थ पॉइंट को लगाकर, इन ऑर्गन के अर्थ पॉइंट को और यांग ऑर्गन के उड पॉइंट्स को लगाकर हम इसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये हो गया अर्थ, अर्थ पॉइंट और उड पॉइंट को, इसलिए मतलब अर्थ पॉइंट और उड पॉइंट से रिलेटेड बीमारी और ये रूमेटिक हार्ट डिजीज हो सकता है। इसमें क्या होता है ना, जो भी हमारे हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है ना, वो कहीं ना कहीं वात की वात वाली बीमारी होती है, हवा के कारण, वायु के कारण ये बीमारी फैलती है, ठीक है, ये बीमारी होती है। जैसे यहाँ पे है अर्थ, अर्थ पॉइंट का मतलब है कोई भी चीज स्थिर हो जाना या फिर अकड़ जाना, जैसे हमारे हड्डियां अकड़ जाती है, जो जिसे रूमेटिक हड्डी होता है या फिर रूमेटिक आर्थराइटिस होता है, ठीक है। तो इस समय हम इसका इन ऑर्गन का अर्थ पॉइंट और यंग ऑर्गन का उड पॉइंट को ट्रीट कर सकते हैं। इसका क्या है फंडामेंटल देखते हैं, स्ट्रीम्स पॉइंट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर ट्रांसफर एंड एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, अर्थ पॉइंट्स ऑफ ऑल इन ऑर्गन आर ऑल्सो ऑर्गन सोर्स पॉइंट। जो भी इनका अर्थ पॉइंट है इन मेरिडियन का, वो क्या होता है, ऑर्गन सोर्स पॉइंट होता है, ठीक है। जो आप लोग देख लीजिएगा कि ऑर्गन सोर्स पॉइंट जितने भी इन मेरिडियन है उसके अर्थ पॉइंट होता है, ठीक है। ट्रीट अर्थ पॉइंट्स ऑफ इन ऑर्गन ह्यूमिडिटी डिसऑर्डर एंड रूमेटिक डिसऑर्डर, ट्रीट वुड पॉइंट्स ऑफ यंग ऑर्गन्स फॉर वीकनेस ऑफ मसल्स एंड डिपेंशन ऑफ लीवर, पॉइंट्स आर GV44, TW3, ये सब पॉइंट्स है जो दिया हुआ है। जिनको भी रोमेटिक डिसऑर्डर है तो आप ये पॉइंट लगा सकते हैं, या फिर अगर एनर्जी की कमी है, वीकनेस है शरीर में, मसल्स में वीकनेस है, तो आप ये वाले नीचे वाले पॉइंट लगा सकते हैं, ठीक है। ह्यूमिडिटी डिसऑर्डर इंक्लूड ब्लॉक नोज, येलो कॉम्प्लेक्शन, ऑपरेस्ट ब्रीथिंग, स्वेलन नोज, ठीक है। ये सब प्रॉब्लम में आप ये वुड पॉइंट और आर्ट पॉइंट का चुनाव कर सकते हैं। उसके बाद आता है जिंग रिवर पॉइंट। जिंग रिवर पॉइंट हमारा होता है इन ऑर्गन का मेटल पॉइंट और यांग ऑर्गन का फायर पॉइंट, ठीक है। जिंग रिवर बिंदु हाथ की कलाई अथवा पैर के टखने के पास होता है। जिस तरह हम देखे थे ना जिंग वेल पॉइंट्स नाखून के किनारे किनारे होता है, उसी तरह हमारा जिंग रिवर पॉइंट जो है वो कलाई के पास, हाथों के कलाई के पास और पैर के टखने के पास होता है, क्योंकि स्टार्टिंग तो नेल से ही होता है ना, तो नेल के बाद जो पॉइंट आता है वो सब है जो मेटल पॉइंट और फायर पॉइंट जो होता है वो एंकल्स और रिस्ट ज्वाइंट्स के पास आता है, ठीक है। जिंग रिवर बिंदुओं का उपयोग श्वास संबंधी तकलीफें में किया जा सकता है, सांस खांसी, ताप की अनियमितता, कभी गर्मी कभी ठंडा आदि तकलीफों में इन बिंदुओं का प्रयोग कर सकते हैं, मेटल पॉइंट्स और हायर पॉइंट्स। ट्रीट मेटल्स पॉइंट्स ऑफ इन ऑर्गन फॉर ऑब्स्ट्रक्टेड ब्रीथिंग, कफ एंड डेफिशिएंसी, डिफेंसिव एनर्जी पॉइंट्स आर। अगर किसी को सांस से रिलेटेड दिक्कत है या फिर कफ बनता हो उसे, ठीक है, कफ एंड डेफिशिएंट डिफेंसिव एनर्जी, मतलब डिफेंसिव एनर्जी मतलब होता है रक्षा करने वाली एनर्जी की दिक्कत हो कहीं से, आगे आप लोग देखेंगे कि डिफेंसिव एनर्जी क्या कहते हैं स्टेटाइज 6 में जब पढ़ेंगे तब, ठीक है। डिफेंसिव एनर्जी का मतलब होता है कि जो एनर्जी हमारे शरीर के बाहर की ओर होती है, ठीक है, जो हमारे शरीर को डिफेंस करता है मतलब रक्षा करता है, उसकी अगर दिक्कत हो तो आप ये पॉइंट्स लगा सकते हैं, ठीक है। ट्रीट्स फायर पॉइंट्स ऑफ यांग मेरिडियन टू एक्सपेल कोल्डनेस, रीएस्टैब्लिश नॉर्मल टेम्परेचर पॉइंट्स आर गोल्डबर्ग 38, TW6, UV60, SI4 और LI4 है।
इसमें दिया है कि मेटल पॉइंट्स ऑफ इन ऑर्गन का क्या क्या है, ठीक है, जितने भी इन ऑर्गन है उसके मेटल पॉइंट्स दिए हुए हैं, और जो अर्थ पॉइंट है यांग ऑर्गन का जो अर्थ पॉइंट है वो है हमारा सीसी पॉइंट, और जो मेटल पॉइंट्स और इन ऑर्गन का वो है हमारा रिवर पॉइंट, ठीक है। अब आइए देखते हैं हीसी पॉइंट के बारे में। जिंगवेल देख लिए, स्ट्रीम देख लिए, रिवर देख लिए, ठीक है। अब आते हैं हीसी पॉइंट्स के। हीसी पॉइंट्स सभी इन इन ऑर्गन के वाटर पॉइंट्स होता है और यांग ऑर्गन के अर्थ पॉइंट्स होता है, ठीक है। हीसी पॉइंट्स घुटने या कोहनी के पास स्थित होता है, मतलब अगर वो हाथों के कुछ मेरिडियन है जो जो कि ऊपर की ओर जाती है, जो जैसे हमारा हो गया लार्ज इंटेस्टाइन, तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो LI1 है वो हमारा नाखून के पास होता है इंडेक्स फिंगर में, ठीक है, तो वो हो गया जिंगवेल पॉइंट। फिर अगर वही पॉइंट रिस्ट के पास है तो वो हम देखें अभी रिवर पॉइंट हो जाएगा, और वही पॉइंट अगर ऊपर की ओर जाएगी वो हो जाएगा हमारा हीसी पॉइंट, कोहनी कोहनी के पास आएगा, ठीक है। और जो पैर वाले पॉइंट है जैसे स्टमक का हो गया, फिर लीवर का हो गया, स्पिन का हो गया, उसके जो हीसी पॉइंट्स है वो घुटने के पास आएगा ऊपर की ओर, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। When external factors have affected the internal environment and situation like contravection areas, contravection and or diarrhea, अगर किसी को contravection से related दिक्कत है, ठीक है, तो हीसी पॉइंट्स का चुनाव कर सकते हैं। कॉन्ट्रावेक्शन का मतलब क्या होता है, जब हमारे शरीर में एनर्जी की फ्लो ऊपर की ओर होने लगे, मतलब एनर्जी अगर सही दिशा में फ्लो हो रहा है तो वो ठीक है, लेकिन वही अगर गलत दिशा में उल्टा होने लगे तो उसे कॉन्ट्रावेक्शन ऑफ टी कहते हैं, ठीक है। और वो होने से हमारे क्या क्या सिम्टम्स आते हैं शरीर में, तो नोजिया, वॉमिटिंग, हिकअप्स, ठीक है, इरिटेशन ऑफ बेल्चिंग, एक्सेस ल्यूटेंस, ट्रेमलिंग इन हैंड्स एंड फीट, ये सब है कि कॉन्ट्रावेक्शन का सिम्टम्स है, जैसे कि उल्टी आना या फिर हिचकी आना, पेट फूलना, ठीक है, हाथों पैरों का कपकपाना, ठीक है, फीवर होना, हीट सेंसेशन इन बॉडी स्पेशली इन हैंड एंड कोल्ड एक्सट्रीमिटीज, हाथों और पैरों में ठंड लगना, ठीक है, ऐसा कॉन्ट्रावेक्शन ऑफ की होने से, मतलब जब हमारा की जो है वो गलत दिशा में ऊपर की ओर चलने लगता है तो ये सब लक्षण हो सकता है, ठीक है। इसका सबसे अच्छा बिंदु ST36 है, ये बिंदु स्टमक मेरिडियन का अर्थ पॉइंट है, उत्तर उपचार देने से केंद्र की ऊर्जा की आपूर्ति होकर मार्गोल्लंघन ठीक हो जाता है, ठीक है। इसका सबसे बेस्ट पॉइंट है ST36, जो शरीर में अगर किसी भी इनडाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, तो सबसे बेस्ट पॉइंट है ST36। इसमें क्या होता है, जो एनर्जी क्या होता है ऊपर की ओर बहने लगती है, मतलब जो भी हमारे शरीर जो हम खाते हैं सबका सही दिशा होता है, जैसे हम खाना खाते हैं तो वो खाना हमारा इसोफेगस द्वारा स्टमक में, और स्टमक से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाना चाहिए, ये उसका सही दिशा है। लेकिन वही चीज अगर हम खाए और डकार के द्वारा या फिर उल्टी नोजिया के द्वारा वो ऊपर की ओर आने लगता है, ठीक है, उस समय हम इस ST36 पॉइंट का चुनाव कर सकते हैं। फंडामेंटल देखते हैं, ट्रीटमेंट कॉन्ट्रावेक्शन एंड इम्बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स बाय ट्रीटमेंट ऑन वाटर पॉइंट्स ऑफ इन ऑर्गन का जो वाटर पॉइंट्स है उसको हम लगा के बैलेंस कर सकते हैं। SP9 एक्सेस बॉडी फ्लूइड्स को निकालता है, SP9। लीवर 8 शरीर में जल की कमी से मांस 6 को ठीक कर वजन बढ़ाता है, लीवर 8। कॉन्ट्रावेक्शन एंड इम्बैलेंस ऑफ वाइटल एनर्जी, ट्रीट ऑन अर्थ पॉइंट्स ऑफ यांग ऑर्गन, अर्थ पॉइंट का जो यांग ऑर्गन है वो उसका पॉइंट्स लिखा गया है। गॉल ब्लैडर 34 यात्रा में होने वाली उल्टी एवं उल्टी के भाव को ठीक करता है। इसको आप कहीं भी लगा सकते हैं, किसी भी यात्रा कर रहे हैं और आपको उल्टी लग रही है, उल्टी जैसी लग रही है, तो आप इस पॉइंट का बहुत अच्छा लाभ है, इस पॉइंट को याद करके रख सकते हैं। ST36 इरिटेशन को ठीक करता है, एसिडिटी का सर्वोत्तम बिंदु है ST36।
एसिडिटी या फिर पेट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो आप ये पॉलिश लगा सकते हैं। ST36 LI4 और हाई बीपी को ठीक करता है। ST36 और LI11 हाई बीपी को ठीक करता है। ये दोनों बिंदु कैंसर के दर्द को भी कम कर देता है। LI11 ताप नियंत्रण बिंदु है। ताप मतलब कहीं भी अगर टेम्परेचर घटा हो बढ़ा हो तो बाकी पॉइंट्स लगाते ही है, लेकिन साथ में LI11 भी लगा सकते हैं। ये टेम्परेचर को मेंटेन करता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, कम ज्यादा करता है। तो इस पॉइंट को आप लगा के बैलेंस कर सकते हैं टेम्परेचर को, ठीक है। तो कंट्रावेक्शन में अपीयर बी वे ऑफ ट्रेमलिंग इन हैंड्स एंड फीट। कंट्रावेक्शन के कारण हमारा जो हाथों और पैरों में कपकपी हो सकती है, तो उसके लिए यहाँ पे पॉइंट दिया है। अगर शरीर में कंट्रावेक्शन हो जाता है, एनर्जी उल्टी बहने लगती है, या फिर जो भी सही दिशा में जाना चाहिए वो उल्टी की ओर चलने लगती है, तब ये लक्षण हो सकती है कि हाथों और पैरों में कंपन हो सकती है, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ ट्रेमलिंग इन हैंड्स, अगर हाथों में है तो ये पॉइंट्स लगा सकते हैं, और अगर पैरों में है तो नीचे जो दिया है आप देख लीजिए। अगर हाथों में है तो LI4 LI11 TW10 SI8 S3 P3 और LU5 लगा सकते हैं, और अगर पैर में है तो ST36 UB54 Gallbladder 44 Liver 8 और K10 SP9 ये सब पॉइंट का लगा सकते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता को सशक्त करने का उपचार, अगर शरीर में किसी की इम्यूनिटी कमजोर है, किसी की रोग प्रतिरोधक क्षमता का जो हमारे शरीर में जो एंटीबॉडीज होना चाहिए उसकी अगर कमी है, तो हम इस पॉइंट को लगा के उसको ठीक कर सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। तो वो पॉइंट्स क्या हो सकता है, जो मेटल पॉइंट है, मेटल पॉइंट्स ऑफ इन ऑर्गन, इन ऑर्गन का जो मेटल पॉइंट है वो सब लगा के ठीक कर सकते हैं, ठीक है, अपनी इम्यूनिटी को मजबूत कर सकते हैं। और यांग ऑर्गन के हीसी पॉइंट्स को, यांग ऑर्गन के जो अर्थ पॉइंट होता है उसको हीसी पॉइंट्स कहते हैं। उस ये दोनों पॉइंट्स को मिलाकर लगाएंगे तो किसी की इम्यूनिटी को हम मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। इंडिकेशन ऑफ हाई सू पॉइंट्स, वो जो हम अभी देखे ना, जिंग वेल पॉइंट्स, जिंग स्प्रिंग पॉइंट्स, सू स्ट्रीम पॉइंट, जिंग रिवर पॉइंट्स, तो इन पॉइंट्स का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं और भी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। जैसे हमारा है जिंग वेल पॉइंट, ये एक्यूट या इमरजेंसी के कंडीशन में उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। एक्यूट डेफिशिएंसी में भी कर सकते हैं, और एक्यूट एक्सेस कोई भी दिक्कत हो, एक्यूट एक्सेस तो कर सकते हैं ट्रीटमेंट ऑफ। या अगर किसी को एक्यूट डेफिशिएंसी का सिम्टम्स हो, मतलब अभी अभी आया हो और एनर्जी की कमी वाली सिम्टम्स हो, तब हम इसका इन पॉइंट्स का उपचार कर सकते हैं, ठीक है, इन ऑर्गन के पॉइंट्स को उपचार कर सकते हैं। और अगर एक्यूट प्रॉब्लम हो और एक्सेस हो तो यांग पॉइंट्स का उपचार कर सकते हैं। फिर है स्प्रिंग पॉइंट्स, स्प्रिंग पॉइंट्स फेब्रिल डिजीज मतलब होता है कि ज्वर संबंधी या फिर टेम्परेचर से रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे कोल्डनेस है शरीर में, अगर कोल्डनेस है तो इन पॉइंट्स का चुनाव करेंगे, और हॉटनेस है तो यांग पॉइंट्स करेंगे, ठीक है। टू स्ट्रीम पॉइंट्स क्या होता है, रूमेटिज्म, पेनफुल ज्वाइंट्स, अगर हड्डियों में दर्द है तो इन पॉइंट्स का कर सकते हैं, और विथ प्लेसिड एंड नम ज्वाइंट्स, अगर नमनेस है तो यांग पॉइंट्स का कर सकते हैं, ठीक है। जिंग रिवर पॉइंट्स, सांस खांसी ताप की तकलीफों फेफड़े की कमजोरी के लिए जिंग रिवर पॉइंट्स का कर सकते हैं, जैसे डिफेंसिव ऊर्जा की कमी हो तो इन पॉइंट्स का कर सकते हैं, और अग्नि की कमी हो तो यांग ऑर्गन के पॉइंट्स का उपचार कर सकते हैं। इसी पॉइंट्स क्या है, मार्गोल्लंघन, फ्लूइड्स ऑफ कॉन्ट्रावेक्शन अगर हो तो ट्रीटमेंट ऑफ इन पॉइंट्स का कर सकते हैं, और ऊर्जा का कॉन्ट्रावेक्शन हो तो यांग पॉइंट्स का कर सकते हैं, ठीक है। ट्रीट द फाइव सू पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू द सीजन, अगर ये बताया गया है कि फाइव सू पॉइंट्स को और कहाँ यूज कर सकते हैं,
तो आप इस मौसम के अनुसार इसको उपयोग कर सकते हैं। जैसे स्प्रिंग पॉइंट्स है, जो जो हमारा जिंगवल पॉइंट है, वो स्प्रिंग के मौसम में यानी बसंत ऋतु के समय में इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। जिंगवेल पॉइंट का तो ये ज्यादा और ज्यादा लाभ मिलता है। ये है, फिर है ये स्प्रिंग पॉइंट्स का उपयोग कब करेंगे, तो समर समर के सीजन में ये कर सकते हैं। उसके बाद है सुई स्ट्रीम का, तो ये लेट समर, ठीक है, जो उसके बाद आती है तब कर सकते हैं। उसके बाद है फॉल लिडल जिंग रिवर पॉइंट्स, ठीक है। तो ये बताया गया है कि अलग अलग सीजन में भी इसका उपयोग और ज्यादा ले सकते हैं हम इसका पॉइंट्स लगाकर, ठीक है। आइए देखते हैं। जैसे बसंत ऋतु में एकाएक जोरों की आंधी चलने लगती है, उसी प्रकार जब शरीर में कोई रोग एकाएक बसंत ऋतु में होता है, बसंत ऋतु या आंधी के समान आए, तो एक्यूट इमरजेंसी की स्थिति बन जाए, तो हम जिंगवेल पॉइंट्स का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे ऊपर में लिखा है कि स्प्रिंग नीडल जिंगवेल पॉइंट्स, ठीक है। गर्मी में जोरों से गर्मी पड़ने लगती है या लू लग जाती है, तो विभिन्न प्रकार के लक्षण शरीर में प्रकट होते हैं। उसी प्रकार ज्वर होकर अथवा पित्त आदि अन्य किसी कारण से जर्म शरीर में लू लगने का समान प्रकट हो जाए, तो यूं स्प्रिंग पॉइंट्स का उपचार कर सकते हैं, ठीक है। मौसम के अनुसार अगर इस पॉइंट का चुनाव करके लगाएंगे तो और ज्यादा लाभ मिलेगा, ठीक है। तो वर्षा ऋतु में बारिश आने से ह्यूमिडिटी बढ़ने लगती है, ठीक है। ह्यूमिडिटी बढ़ने से गर्मी, सर्दी, खांसी, सांस आदि की तकलीफें बढ़ जाती है। उसी उसी प्रकार के लक्षण में शरीर में प्रकट होने पर जिंग रिवर पॉइंट्स का उपचार कर सकते हैं। वर्षा ऋतु में जिंग रिवर का कर सकते हैं। जब लेट समर ऋतु में वातावरण में लू कम हो जाती है पर हॉटनेस बनी रहती है, तब शरीर में नमनेस अथवा रूमेटिक तकलीफें बढ़ती है। ऐसे में सू स्ट्रीम पॉइंट्स का उपचार करना चाहिए। जाड़े में जब ठंड अधिक पड़ती है तो सर्दी, वाटर रिटेंशन आदि बढ़ जाते हैं, तो अर्टिकेरिया, एडिमा, हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर, नी एंड एल्बो जॉइंट्स के पेन के रूप में होते हैं, प्रकट होते हैं, तो उस समय हम ही सी पॉइंट्स का उपचार कर सकते हैं, ठीक है, ठंड के दिनों में। और भी कब कर सकते हैं ही सी पॉइंट्स का उपयोग, जब शरीर में हमारा इंटरनल प्रॉब्लम हो और पुरानी दिक्कत हो। ही सी पॉइंट्स बहुत अच्छा पॉइंट्स होता है जब हमारा कोई भी समस्या बहुत पुराना हो गया हो और अंदरूनी ऑर्गन में हुआ हो, तब हम इस पॉइंट्स का उपचार कर सकते हैं, ही सी पॉइंट्स का, ठीक है। यह बीमारी जल्द ठीक नहीं होती है, जब बीमारी गहरे पैठ जाती है, तो ऐसे में उपचार ही सी पॉइंट्स का करना चाहिए। ही सी पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स है, मतलब लास्ट कंडीशन में भी इसका उपयोग करना चाहिए। मतलब कोई ऐसी बीमारी है जो बिल्कुल सभी ठीक ही नहीं हो रहा, ठीक नहीं है, सब तरह के उपचार करके देख लिए, तब आप लास्ट में इस पॉइंट्स का भी उपचार करके देख सकते हैं, ही सी पॉइंट्स का, ठीक है। जो इसमें से जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, वो सबसे ज्यादा है जिंगवेल पॉइंट। इसका उपयोग आप कभी भी कर सकते हैं, ठीक है, कहीं भी याद करके इसको रख लीजिएगा। और बाकी आप इसको ना ऋतु के अनुसार ट्रीटमेंट करके देखिएगा कि अगर बसंत ऋतु में कोई दिक्कत है तो आप जिंगवेल पॉइंट्स का उपयोग कर सकते हैं, गर्मी में कोई दिक्कत हो रही है तो स्प्रिंग पॉइंट्स का कर सकते हैं, उसी तरह उसके बाद अगर है तो स्ट्रीम, ठीक है, अगर वर्षा ऋतु में है तो रिवर वाली पॉइंट्स, रिवर जिंग रिवर पॉइंट्स का उपयोग, और अगर ठंडियों में है तो हीसी पॉइंट्स का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये ऋतु के अनुसार कर सकते हैं, और पहला जो है वो जिंग वेल पॉइंट जो था वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसको, और ये ऋतु के अनुसार ट्रीटमेंट करने के लिए आप लोग कुछ कुछ पॉइंट देख लीजिएगा और इसको करिए। तो इसमें इतना ही था आज, फाइव सू पॉइंट्स के बारे में देखे हम लोग, ठीक है। बाकी फिर से अगर देखने का मौका मिला तो इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। ललिता जी थैंक यू, बहुत बढ़िया हुआ। अब देखिए, सबसे मुझे ये कहना है कि स्पेशली सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपने पढ़ा होगा कि
कि फाइव शू पॉइंट में इतने पॉइंट्स नहीं थे, और उस दिन जो निरंजन जी ने बताया था कि सारे पॉइंट्स का कैसे कैसे सब में वाटर पॉइंट, जो हमारे फाइव इलेवन पॉइंट थे उनमें वाटर पॉइंट और ह्यूमिडिटी पॉइंट प्लस जो है फायर पॉइंट सारे पॉइंट नहीं थे। तो दो तरीके आप लोग समझ में आए, हम लोग भूल जाते हैं, हम जब कोई बीमारी आती है तो हम इस चैप्टर को भूल जाते हैं। इस चैप्टर में क्या नहीं है, आप ऋतु के हिसाब से करना चाहें तो कर लीजिए, अगर आप हॉटनेस कोल्डनेस के आधार पर करना चाहें तो कर लीजिए, अचानक बीमारी कोई आई है तो कर लीजिए। इन पॉइंट्स को छोड़ करके हम लोग फिर बड़े पॉइंट्स पर शुरू हो जाते हैं कि इसका पूरा ट्रीटमेंट चार्ट दे दीजिए। छोटे छोटे पॉइंट्स हम लोग शुरुआत ही नहीं करना चाहते। अभी इसमें सब आप पढ़िए, इसमें कौन सी चीज ऐसी, कौन बीमारी नहीं जो नहीं दिया हुआ शुरू में, चाहे आप जिंगवेल ले लीजिए, चाहे वो स्ट्रीम पॉइंट ले लीजिए, चाहे रिवर पॉइंट ले लीजिए, चाहे हिशी, मतलब बहुत अधिक। और हमेशा बेसिक ध्यान दीजिए कि यहाँ से लेकर के कोहनी तक जा रहा है सारे पॉइंट, या तो यहाँ से कोहनी जा रहे हैं और या बाहर से टो से बिल्कुल बिग टो से या सारे टो वाले पॉइंट से और अंदर घुटने की तरफ आ रहे हैं, यानी बीमारी बढ़ती चली जा रही है। इसको ऐसे समझिए सामान्य भाषा में कि बीमारी आई तो यहाँ पर आई, और फिर बीमारी बढ़ना शुरू हुई तो बढ़ती चली गई और अंत में वो यहाँ तक चली आई। उसी तरह पैर में हुई तो पैर में बीमारी आई नाखूनों से और फिर अंदर की ओर प्रवेश करती चली गई, यही है जिंगवेल माने अचानक आई, और क्रॉनिक हिशी है, हिशी माने यहाँ पर। तो बीमारी का शरीर में जो प्रवेश है इसका तरीका भी समझ लीजिए। तो ऐसे बीमारी आ रही है कि पहले बाहर आई, तो जैसे समझते रहिए कि बीमारी अब बढ़ी है घटी है, तो बढ़ती जा रही है तो वैसे ही प्रयोग कर लीजिए। और इसमें आप, मैं सबसे चाहूंगा सब बढ़िया से नोट्स बनाए, फाइव शू में फाइव शू पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको पढ़िए और समझिए और लिखिए और इनका इम्प्लीमेंटेशन करिए तो आपका बहुत होगा। ललिता जी ने बहुत बढ़िया से बताया है, हम लोग उनको थैंक्स क्या कहें, थैंक्स तो चूंकि हमारे साथ में जुड़ी हुई है, तो अब हम निरंजन जी हमारे बीच उपस्थित है। ललिता जी धन्यवाद, आपको बहुत व्यस्त है, आपको जाना भी है शायद, और पढ़ाई भी कर रही है, तो आप पढ़िए कोई दिक्कत नहीं, आपको शुभकामनाएं। वहाँ इम्तहान देने के बाद बता दीजिएगा हमको कब आ रही हैं, ठीक है। तो अब धन्यवाद, और हमारे बीच निरंजन जी उपस्थित हैं, तो मैं चाहूंगा कि वो अपना उनका जो प्रैक्टिकल वाला है उसका शुरुआत करें, और सारे लोग जुड़ गए हैं, अब सारे लोग अपना नोट्स बुक निकाल लें, जहां जहां नोट्स बुक निकाल करके और बैठे, और उसके बाद जो पॉइंट आते जाए, क्योंकि आज शुरू हो रहा है हॉरिजेंटल मेरिडियन, कल भी शुरू कर दिया था, हॉरिजेंटल मेरिडियन में बहुत इंपॉर्टेंट मेरिडियन का जिक्र भी होगा, और उसमें स्पेशली बताएंगे कौन कौन वो है। अब फिर हम लोग कल जब भी अगला नेक्स्ट आएगा उसमें हम लोग स्पाइरल मेरिडियन पे आएंगे, और स्पाइरल मेरिडियन को आपको सीखना है, बढ़िया समझना है, और बाद में अभी जो प्लानिंग है, अभी प्लानिंग है, मैं प्लानिंग बता दूं, बाद में हम लोगों की कोशिश ये है कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए भी हम लोग धीरे धीरे आप लोगों को तैयार करें, लेकिन वो अकेले समवाय फाउंडेशन के न होकर के समवाय के साथ साथ अन्य लोगों के जुड़ाव से होगा, और वो हो सकता है वो ऑन द बेसिस ऑफ पेड बेसिस हो, तो वो भी एक हम लोग तरीका डिसाइड कर रहे हैं, अभी सब लोगों से डिस्कस भी कर लूंगा और उसके बाद तब होगा। निरंजन जी उसके लिए तैयार हैं, और उनको मैं उनको कह दिया गया है कि वो अपना लैपटॉप बढ़िया से परचेज कर ले, तो 70-80 हजार का आ रहा है, तो वो उसको परचेज कर रहे हैं, और उसके बाद फिर जो है उसी से अपनी कार्यवाही करेंगे। तो ओवर टू निरंजन जी। थैंक यू सर, और कक्षा प्रारंभ करें इससे पहले हम लोग अपने गुरुजनों को याद करते हैं, नमन करते हुए उनको इस कक्षा में प्रवेश करते हैं, आदरणीय सर को भी नमस्कार करते हुए इस कक्षा में हम लोग प्रवेश करते हैं। और जैसा कि पिछली कई कक्षाओं में हम लोगों ने चाइनीज के कॉन्सेप्ट को देखा, उसके पाथवेज को देखा, उसके बॉडी पे क्लासिकल पॉइंट्स को देखा, फिर हम लोगों ने ब्योल के पॉइंट्स को देखा, फिर हम लोगों ने देखा कि इसमें जो आपने अभी सू पॉइंट्स पढ़े तो उसके पॉइंट को भी हम लोगों ने देखा, जिस पॉइंट की हम लोग बात कर रहे थे ना, विंड हीट ह्यूमिडिटी ड्राइनेस कोल्डनेस, उनको भी हम लोगों ने देखा। कमांड का मतलब ही होता है कि कमांडर क्या होता है, किसी सेना में अगर कोई कमांडर है तो वो पूरी सेना का गवर्नर होता है,
तो कहने का ये मतलब है कि ये जो ललिता ने पढ़ाया बहुत अच्छा पढ़ाया आप लोगों को। कमांडर पॉइंट वही है कि ये पूरी की पूरी मेरेडियन, एक मेरेडियन पे बहुत सारे पॉइंट है, 50 60, किसी पे 40, किसी पे 20, इस तरह से। लेकिन ये 5 कमांडर पॉइंट ऐसे हैं कि पूरी की पूरी की पूरी मेरेडियन पे ये गवर्न करते हैं। अगर पूरी की पूरी मेरेडियन में अगर वाटर बढ़ाना है तो एक वाटर पॉइंट से हम पूरी मेरेडियन में वाटर की एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है। और उसमें हम 2 मिनट का आपका समय लेंगे कि जैसे आपने पढ़ा जिंग रिवर या अलग अलग तरह के पॉइंट पढ़ा आपने, जैसे आपने देखा हो कहीं पे कि किसी इन मेरेडियन के हीट पॉइंट है वाटर, और यंग मेरेडियन के वाटर पॉइंट है। तो बीमारियां शरीर में देखिए, आप सिंपल सिंपल टिटाइज 1 में जो चीजें लिखी हुई हैं वो समझिए मंत्र रूप में लिखी हुई है, एक एक लाइन जो है उसका मंत्र रूप में लिखा हुआ है। और उसका प्रयोग इतना बृहत हो सकता है कि आप सोच नहीं सकते जितना कर सकते हैं आप। तो सिंपल सा एक उपचार आप ये भी कर सकते हैं कि शरीर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पीएच लेवल, आप लोगों को पता होगा पीएच। और पीएच बैलेंस किससे होता है? ठंड और गर्म, ये 2 चीजें होती है। तो आप कुछ नहीं कर सकते तो आप जो है इन और यांग मेरिडियन का, देखिए आपने जो पढ़ा होगा ना सेकंड जिंगवेल के बाद जो दूसरी एनर्जी है, तो उसमें आप कुछ मत कीजिए। आप अपने शरीर की अगर पीएच बैलेंस करना चाहते हैं तो सिंपल सा उस पॉइंट को, वाटर पॉइंट और इन मेरेडियन के हीट पॉइंट को, हीट पॉइंट को सिलेक्ट कर दीजिए, वाटर पॉइंट को टोन कर दीजिए। देखिए आपके शरीर की ये बैलेंसिंग जो है बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी, क्योंकि ज्यादातर लोगों की इस समय पीएच लेवल गड़बड़ है, क्योंकि हमारा खान पान और सारी चीजें इतनी ही गड़बड़ है कि वो चीजें गड़बड़ होती ही होती है। तो चलिए, हमारा कॉन्सेप्ट आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का है और ललिता ने बहुत अच्छे से पढ़ाया। हम लोग जो बात कर रहे थे पिछली कक्षाओं में, अभी कल की कक्षाओं में हम लोगों ने आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की बात किया, और जैसा कि हमने बताया कि 88,000 नाड़ियों की कल्पना की, और उन 88,000 नाड़ियों पे हम उपचार नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें सीमित करना पड़ा कि गिनती कम अगर कर दे तो हम आसानी से बीमारी को आइडेंटिफाई करके उपचार कर सकते। तो उनको आयुर्वेद में, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में आदरणीय सर ने बताया कि बॉडी में 3 तरह के मेरेडियन को उन्होंने आइडेंटिफाई किया, जिसको हम लोगों ने, पहली मेरेडियन को हम लोगों ने माना वर्टिकल, दूसरी को हम लोगों ने बोला हॉरिजॉन्टल, और तीसरा को हम लोगों ने बोला स्पाइरल। तो देखिए, जैसे चाइनीज में आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा एक्यूट, सब एक्यूट और क्रोनिक। तो देखिए, बीमारियों में भी इन मेरिडियन के पॉइंट को जो प्रैक्टिकल में आप सीख रहे हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्पाइरल, वहां भी इसका इसी तरह से यूज कर सकते हैं। जैसे कोई बीमारी आपकी अगर एक्यूट हो, सिंपल हो, यांग तरह की, अगर चाइनीज के लैंग्वेज में कहें यांग तरह की हो, एक्यूट हो, अचानक से आई हो, उसका सिंपल अचानक से हाल फिलहाल की बीमारी हो, तो वहां पे आप वर्टिकल मेरिडियन को यूज कर सकते हैं। बीमारी थोड़ी सी सब एक्यूट हो गई तो ऐसे कंडीशन में आप हॉरिजॉन्टल मेरिडियन की यूज कर सकते हैं आप। और बीमारी अगर और क्रोनिक हो गई तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, स्पाइरल मेरिडियन का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से कई और मेथड हो सकते हैं एप्लीकेशन के, कई और तरीके से आप सोच सकते हैं, कई और तरीके आप जानेंगे। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे आप क्लास में प्रवेश करते जाएंगे, वैसे वैसे सोचने का दायरा इसको ओपन कीजिए और सोचिए कितना दूर तक ये काम हो सकता है, कितना दूर, कितने तरीके से एप्लीकेशन हो सकता है। तो अगर फंक्शन की गड़बड़ हो तो आप वर्टिकल मेरिडियन का यूज कीजिए, स्ट्रक्चर की गड़बड़ी हो तो आप हॉरिजॉन्टल मेरिडियन का यूज कीजिए, और फंक्शन और स्ट्रक्चर दोनों गड़बड़ हो तो ऐसे कंडीशन में आप स्पाइरल का यूज कीजिए। बीमारी शरीर के बाहर हो, यांग मेरिडियन का भी, वर्टिकल मेरिडियन का यूज कीजिए, थोड़ी अंदर प्रवेश कर गई हो हॉरिजॉन्टल का यूज कीजिए, और बिल्कुल अंदर प्रवेश कर गई हो, टिश्यू लेवल में चली गई हो, तो आप स्पाइरल का यूज कीजिए। तो ऐसे कई मेथड हो सकते हैं हमारे पास, ऐसे उपचार के कई माध्यम हो सकते हैं जिसके माध्यम से आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने कल वर्टिकल का बात किया था, तो आज फिर से हम आपके साथ स्लाइड शेयर करते हैं, और स्लाइड शेयर करने के बाद फिर आगे की बात हम लोग जो है आगे बढ़ाते हैं। तो हम अपना स्क्रीन आप लोगों से शेयर कर रहे हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। लेकिन एक बात सबसे मैं बोलूंगा कि आप सभी लोग, जैसा कि सर ने बोला कि आप लोग जरूर नोटबुक बनाएं और इसको नोट करते जाएं, क्योंकि ये चीजें जो है ना, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ सुन लिए याद रह गए, लेकिन चीजें ठहरती नहीं है। अगर आपने लिख लिया और एक दो बार आपने प्रैक्टिस किया, उसको पढ़ा, तो चीजें आपके दिमाग में रहेंगी, अन्यथा वो निकल जाती हैं।
तो एक बार समराइज कर देते हैं 2-3 मिनट में, क्योंकि कल किन्हीं एक दो लोगों ने मैसेज किया था कि थोड़ी बहुत कुछ रही है, पर आपने अच्छा समझाया, समझ में आया। तो देखिए, जो वर्टिकल मेरिडियन होती है बिल्कुल लंबवत बोलते हैं, बिल्कुल सीधी लाइन में जाती है, और इसको हम लोगों ने बॉडी पे भी देखा यहाँ पे कि बॉडी में 0 से लेके 4 तक के पॉइंट आगे हैं, और बाकी 5 से लेके 5, 6, 7, 8, 9 वो बैक में, 5, 6 आपके लेटरल साइड में है। और इसी डिवीजन को वर्टिकल में हम लोगों ने इसको 10 भागों में बांट दिया, क्योंकि आयुर्वेद में हम लोग दसोत्पत्ति सिद्धांत की बात करते हैं, तो जहां भी उपचार करना है हमें इस 10 तत्वों को हमेशा ध्यान में रखना है कि हमें दसोत्पत्ति सिद्धांत पे ट्रीटमेंट करना है, तो इसको हमेशा ही याद रखना है आपको। आप 0 वर्टिकल ट्रीट कर रहे हैं, यहाँ पे भी आपको दसोत्पत्ति सिद्धांत के हिसाब से ही पॉइंट का आप चयन करते हैं, द्रव्यों के गुण और कर्म के हिसाब से। बीमारी हीट टाइप की है तो वहां आप क्या करते हैं, हीट को कम कर देते हैं, कोल्डनेस को बढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि हीट का गुण क्या है, हीट का गुण है जलाना, सुखाना, और पानी का गुण क्या है, ठंडक करना, शांत करना। तो ये सब चीजें गुण और कर्म के हिसाब से हम लोग उपचार करते हैं। तो एप्लीकेशन पार्ट हमें आना चाहिए, एप्लीकेशन पार्ट बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, बशर्ते हम प्रयास करें तो, सही दिशा में प्रयास करें तो बहुत अधिक कठिन नहीं है। तो हम लोगों ने बताया आपको हमने कि सभी उंगलियों में ये 10-10 वर्टिकल मेरिडियन है, सभी फिंगर में, और इन सभी वर्टिकल पे 10-10 पॉइंट है 0 से लेके 9 तक के, और उसपे हम लोग अपनी डायग्नोसिस के हिसाब से, अपनी जो डायग्नोसिस बनती है कि हम क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं, किस वर्टिकल पे कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम लोग वर्टिकल का चयन करते हैं और फिर उपचार करते हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमने वर्टिकल आपको बता दिया था, वर्टिकल के का अपोजिट फ्लो भी हमने बताया था आपको, उसके बाद RLBM बताया था, जिसको हम लोग रीजनल लॉन्ग वर्टिकल बोलते हैं। उसके बाद हम लोगों ने LBM की बात किया था कि एक लंबी मेरिडियन बन जाएगी, यानी 2 वर्टिकल मेरिडियन जोड़ के एक लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन बन जाएगी, और उसका मकसद कुछ और नहीं था, मकसद ये था कि एरिया हमारा ज्यादा कवर हो और पॉइंट हमारे कम से कम हो, यानी 10 ही पॉइंट में हम 2-2 वर्टिकल को कवर कर पाए, 2-2 वर्टिकल का उपचार हो पाए, पॉइंट नंबर ऑफ पॉइंट कम हो जाए, तो हमारी चिकित्सा और प्रभावित हो जाएगी, कम पॉइंट लगेंगे और लाभ हमें ज्यादा मिलेगा। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था हॉरिजॉन्टल मेरिडियन की, तो उसी तरह से देखिए अपनी बॉडी में हम लोगों ने कल देखा था कि इसी तरह से जब हम अपने जेनिटल एरिया से, इस जगह से अगर हम अपने बॉडी के टॉप मोस्ट यानी अपर टॉप लेवल तक को अगर बांटते हैं, तो इसको भी 10 हॉरिजॉन्टल में हम लोग बांटते हैं, तो यहाँ पे भी सिंपलीफाई तरीके से आप एक एक ऑर्गन का, बॉडी के एक एक भाग का, चाहे वो बॉडी का भाग इंटरनल हो, चाहे वो बॉडी का भाग एक्सटर्नल हो, यानी शरीर के बाहर स्किन लेवल पे कोई बीमारी हो या शरीर के अंदर, तो आप उसके डिवीजन को देख लीजिए कि ये हमारा कौन कौन सा एरिया कौन सा हॉरिजॉन्टल कवर कर रहा है। जैसे उदाहरण के लिए अगर आप देखें तो इस चित्र में आपको दिख रहा होगा, यहाँ आपको लीवर दिख रहा है, आपको यहाँ बॉडी में लीवर दिख रहा होगा, और देखिए इस जगह पे जो हॉरिजॉन्टल है वो 3rd हॉरिजॉन्टल है। मान के चलिए आपके पास कोई पेशेंट आया और वो फैटी लीवर का पेशेंट है, आपको कुछ नहीं आ रहा है, आपको कोई ज्वाइंट याद नहीं है। कल हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था सामान्य और विशेष का, आपको याद होगा, उसमें हमने बताया था कि अपनी पूरी बॉडी जो है इन 2 थंब पे पूरी हो जाती है, यानी गले से ऊपर का उपचार करना है तो लेफ्ट थंब ले लीजिए, और अबव अगर गले से नीचे की बात करें, बिलो द नेक बोले यहाँ से गले थ्रोट, तो यहाँ से नीचे की बात करें ट्रंक रीजन का, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग राइट थंब का यूज करते हैं। तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको बस ये चार्ट, ये डिवीजन याद होना चाहिए आपको। आपको करना क्या है, आपने देखा कि ये ट्रंक रीजन में है, यानी हमें जो फिंगर लेनी है, थंब लेनी है, वो लेना है राइट थंब, और वहां पे हॉरिजॉन्टल कौन सा लेना है, 3rd हॉरिजॉन्टल, यानी कि जो हमारा प्रोटोकॉल होगा राइट थंब 3rd हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, और सिंपल सा प्रोटोकॉल क्या लगाएंगे हम लोग, 4-5 सीडेट 3-6 टोन 0-9 सीडेट। अगर आपने ये कर दिया तो समझिए उसके लीवर का आप उपचार कर दिया। क्या लेवल का उपचार किया आपने, कि अगर लीवर का इनलार्जमेंट है तो हॉरिजॉन्टल का मतलब ही है कि चारों तरफ से कवर करती है। ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि आपने फैटी लीवर का, लीवर इनलार्जमेंट है, लीवर की कोई फंक्शनल को गड़बड़ी है, वो दोनों ही कवर हो जाएगा। तो नहीं कुछ कर सकते तो आप सिंपल सिंपल उपचार
इस तरह से यहाँ पे कर सकते हैं। और रही एप्लीकेशन पॉइंट की बात, तो हमें अपने आयुर्वेद में कई सारे ज्वाइंट पढ़ेंगे, वात पित्त कफ के अलग अलग ज्वाइंट है, उस ज्वाइंट पे भी आपको पॉइंट लगाना होता है। तो ज्वाइंट पे भी जो पॉइंट लगते हैं एक तरह से हॉरिजॉन्टल में ही लगते हैं, घूम के चारों साइड से एंड पॉइंट्स लगते हैं। तो हम लोगों ने बात किया कि अपने पॉइंट एप्लीकेशन में जो ये पॉइंट नीचे लिखे हुए हैं, तो ये जो नीचे वाली हॉरिजॉन्टल यानी जीरो हॉरिजॉन्टल पे जो पॉइंट है, वही बाकी सभी हॉरिजॉन्टल पे ये सारे के सारे पॉइंट वैसे ही ठीक ठीक वैसे ही कुछ है ऐसे ही। तो ये हमें अगर याद है, हमें अगर ये ध्यान में है, तो हम आसानी से हॉरिजॉन्टल के पॉइंट आसानी से लगा पाएंगे। तो इसको भी हमने कल पॉइंट एप्लीकेशन करके आपको हॉरिजॉन्टल का बताया था। अब हॉरिजॉन्टल में जहां से हम लोगों को आज बात करनी है, वो है हॉरिजॉन्टल का अपोजिट फ्लो, कि इसी हॉरिजॉन्टल में अगर हमें पॉइंट लगाना है तो अपोजिट फ्लो में लगाना है तो हम कैसे लगाएं। तो बहुत अधिक चेंजेस नहीं होता। चेंजेस क्या होता है कि जैसे अगर हम कहीं पे हॉरिजॉन्टल लगा रहे हैं, ये मान के चलिए नॉर्मल है, ये 0, 1, 4, 2, 3 और पीछे की तरफ देखें फिंगर में तो 9, 8, 5, 7 और 6 ये नंबर है हमारे फिंगर में आगे और पीछे। तो अगर हम ये पॉइंट अगर आगे लगा रहे हैं 0 से लेके 4 तक के और 5 से लेके 9 तक के पॉइंट जो है वो पीछे लगा रहे हैं, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल में ये नॉर्मल फ्लो है, ये नॉर्मल फ्लो है। लेकिन वहीं पे अगर हम इसको बिल्कुल चेंज कर दें, यानी जहां पे ये 0 है वहां 9 हो जाए और जहां ये 9 है वहां 0 हो जाए, तो कुछ कुछ ऐसा ही यहाँ पे बदलाव हो जाएगा, यानी यहाँ पे 0 हो जाएगा और जहां 8 है वहां 1 हो जाएगा, जहां 5 है वहां 4 हो जाएगा, जहां 7 है वहां 2 हो जाएगा, जहां 6 है वहां 3 हो जाएगा। और ठीक उसी तरह से नीचे जहां 0 था वहां 9 हो गया, जहां 8 है वहां 1 हो गया, जहां 4 है वहां 5 हो जाएगा, 2 के जगह 7 और 3 के जगह 6। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बहुत आसान है और आसानी से इसे लगा लेंगे। जैसा कि आप इस चार्ट में भी अगर देखें, तो इस चार्ट में भी आपको सेम कंडीशन यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये देखिए हार्ट का ये फ्रंट भाग है जिसको हम लोग पामर साइड बोलते हैं, और इस पामर साइड में देखिए हम लोग यहाँ पे क्या मान रहे थे, 0, उसके बाद जो मान रहे थे अंगूठे की तरफ 1 और 4, दूसरी तरफ 2 और 3, और वहीं पीछे की ओर देखें तो सेंटर में बैक में यहाँ सेंटर में हमारा था 9 नंबर और अंगूठे की तरफ था हमारा पॉइंट 8 और 5, दूसरी तरफ 7 और 6। तो बहुत अधिक बदलाव नहीं है, बस आपको जो है वो एरिया जगह चेंज कर देना है। और यहाँ भी अगर कॉम्बिनेशन आप अगर देखेंगे तो हर जगह वो 9 का ही कॉम्बिनेशन है। अगर ये बात आपने दिमाग में बिठा लिया तो कहीं भी आपसे गलती नहीं होगा। सपोज डेट देखिए, जैसे इसमें नंबर आपको दिख रहा होगा ना 3, 2, 0, 1, 4, तो देखिए 6+3 कीजिए 9 हो जाएगा, 2+7 कीजिए 9 हो जाएगा, 0+9 कीजिए 9 हो जाएगा, 1+8 कीजिए 9 हो जाएगा, 5+4 कीजिए 9 हो जाएगा। बैक में भी देखें तो 0+1, 0+9 तो 9, 1+8 9, 5+4 9, 7+2 9, 6+3 करेंगे तो 9। तो बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, आसान है, आप लगा सकते हैं। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल में अपोजिट फ्लो है, आप आसानी से इसको लगा सकते हैं। अगर हाँ जी सर, ये अपोजिट फ्लो यूज क्या बात है? देखिए आप यूजेज जो है इनके अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, कब यूज करना है कैसे यूज करना है, जब आप थोड़ा और डीप में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि हम लोगों ने कल आपको वर्टिकल में थोड़ा सा बताया था आपको कि वेनस फ्लो या ब्रेन का ट्रीटमेंट हो तो अपोजिट फ्लो का यूज करते हैं, है ना? तो वैसे ही कुछ चीजें होती हैं जहां पे हम लोग अपोजिट फ्लो का यूज करते हैं, ठीक है ना? जब आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में और अंदर जाएंगे, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा हमें कहां अपोजिट फ्लो यूज करना है। लेकिन मेनली मान के चलिए कि जहां वेनस फ्लो या ब्रेन का ट्रीटमेंट करते हैं तो ऐसे कंडीशन में हम लोग अपोजिट फ्लो का यूज करते हैं, ठीक है जी? यस सर। हाँ, अब ये बताइए अपोजिट फ्लो में कोई अगर दिक्कत हो तो फिर से हम और ड्रॉ करके प्लेन में ड्रॉ करके बताएं आपको। अगर ये समझ में आया हो, अगर नहीं आया हो तो देखिए इसमें फिर से हम ड्रॉ करके दिखाते हैं। ये देखिए आपको,
एक एक करके बोलिए तो समझ में आया क्या बोल रहे नहीं समझ में आया सर एक बार और समझा दीजिए। हाँ ये बात हुई। चलिए हम लोग इसको फ्रेश में करते हैं, हम आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं। चलिए देखिए, जो सामान्य नंबर होता है, हम पहले एक फिंगर पे आपके सामान्य नंबर लिख रहे हैं, ठीक ना, किसी भी जॉइंट पे। मान के चलिए हमें ये थर्ड हॉरिजॉन्टल है और इस पे हम लोग अपोजिट फ्लो में कोई पॉइंट हमें लगाना है, नॉर्मल फ्लो में पहले लगाना है, ठीक है ना। तो देखिए नॉर्मल फ्लो में जो सेंटर में नंबर होगा हमारा वो कौन सा होगा, जीरो, और अंगूठे की तरफ जो नंबर जाएगा वो जाएगा वन और फोर, दूसरी तरफ जो नंबर जाएगा टू और थ्री, पीछे की तरफ जो हमारा सेंटर में नंबर होगा वो होगा नाइन, अंगूठे की तरफ एट और फाइव, दूसरी तरफ सेवन और सिक्स, ये वाले नंबर होंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये जो हम लोग हॉरिजॉन्टल के पॉइंट लगा रहे हैं ये थर्ड हॉरिजॉन्टल है, लेफ्ट लेफ्ट इंडेक्स फिंगर थर्ड हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना, ये है, ये इसके सामान्य प्लॉटिंग है। अब इसी लेफ्ट इंडेक्स फिंगर पे, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर पे सिक्स हॉरिजॉन्टल लगाते हैं हम, ठीक है। तो आपको देखिए कुछ करना नहीं है, ये आपका सिक्स हॉरिजॉन्टल है, ये आप लोग जान रहे हैं सिक्स हॉरिजॉन्टल है, ये देखिए आपको कुछ करना नहीं है। देखिए जहां पे आगे में अपोजिट करना है ना, अपोजिट का मतलब होता है जस्ट उल्टा, तो जहां जीरो था वहां नाइन हो जाएगा, जहां नाइन था वहां जीरो हो जाएगा। तो देखिए यही नंबर जो आगे जीरो वन फोर टू थ्री वाले जो नंबर है ये पीछे की तरफ चले जाएंगे, और जो पीछे वाले नंबर है फाइव सिक्स सेवन एट नाइन वो हमारे आगे आ जाएंगे। तो हमें कुछ करना नहीं है, जैसे सेंटर में जीरो है तो यहाँ पे सेंटर में आगे की तरफ कौन सा नंबर आ जाएगा, नाइन, और नाइन के ठीक बगल में अंगूठे की तरफ जाएंगे तो देखिए यहाँ कौन सा नंबर है, वन है ना, इसके ठीक बगल में यहाँ जो नंबर आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा एट, यहाँ पे नंबर फोर है तो फोर के ठीक पीछे यहाँ नंबर हमारा आ जाएगा फाइव, और दूसरी तरफ सेवन और सिक्स, और पीछे की तरफ जाएंगे तो जब आगे नाइन आ गया तो पीछे सेंटर में हमारा हो जाएगा जीरो, सेंटर में क्या हो जाएगा जीरो, और उंगली की तरफ देखिए नीचे एट नंबर अगर नॉर्मल में अगर आ रहा है हमारा तो यहाँ पे आ जाएगा वन और दूसरी तरफ आ जाएगा फोर, और अगर फिंगर की तरफ चले तो इस साइड में आ जाएगा आपका नंबर टू और दूसरी तरफ थ्री। ये हो गया आपका अपोजिट फ्लो, ये हो गया आपका अपोजिट फ्लो, और ये हो गया आपका नॉर्मल फ्लो। अब बताइए आप समझ में आया आपको, जी सर। देखिए बहुत अधिक दिक्कत नहीं, बहुत अधिक दिक्कत नहीं, हमने आपको पहले ही बोला कि ये आपको पहले ही बोला कि ये नंबर जो सामान्य नंबर हमने सामान्य नंबर हमने माइक ऑफ कर लीजिए, माइक ऑफ कर लीजिए, जो सामान्य नंबर हमने बताए हैं वो नंबर अगर आपको याद है तो बाकी अपोजिट फ्लो नॉर्मल फ्लो में आपको ज्यादा दिक्कत होना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा। आप देखिए जीरो आपने बदल दिया, जीरो की जगह नाइन, नाइन की जगह जीरो, और अगर ये नंबर याद है तो देखिए अगर यहाँ पे आप देखेंगे वन प्लस एट करेंगे तो नाइन, फाइव प्लस फोर करेंगे तो नाइन, आप देखिए सेवन प्लस टू करेंगे नाइन, सिक्स प्लस थ्री करेंगे तो नाइन, तो ये पॉइंट आपको दिक्कत होगा ही नहीं, गलती नहीं होगा बिल्कुल भी, बिल्कुल आसानी से लगा लेंगे इसको। इसमें ये कह रहा है कि जीरो और नाइन की पोजीशन बदल गई, इसमें क्या नोट करिए, जीरो और नाइन की पोजीशन बदल गई लेकिन एक और चार उसी तरफ आएगा जिधर अंगूठा है, बस ध्यान रखिए एक और चार अंगूठे जैसे उंगली में कर रहे हैं तो अंगूठा जिधर एक चार आ रहा है तो एक चार की पोजीशन मत बदलिए, जीरो नाइन की पोजीशन बदल गई लेकिन एक चार अंगूठे की तरफ ही आएगा और आप जैसे करोगे वैसे मुड़ते चले जाइए, बस एक चार तो दो तीन हो जाएगा, बस ये ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए, कहीं नोट करिए, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी हो जाएगा, कुछ कोई ज्यादा कठिन नहीं है। इस वीडियो को फिर जैसे क्लास खत्म हो इस वीडियो को एक दो बार देखेंगे फिर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है।
हेलो कोई कुछ पूछ रहे हैं जी सर? सर ये पूछ रहे थे कि सर नॉर्मल फ्लो और अपोजिट फ्लो में सिर्फ प्लॉटिंग नंबर का अंतर होता है, लेकिन बाकी चीज का आपको सर कैसे समझा का क्या दिक्कत रहता है सर? आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाया, क्या बोल रहे नॉर्मल फ्लो सर, नॉर्मल फ्लो और अपोजिट फ्लो में सर नंबर बदल जा रहा है, फिर तत्व में सर कैसे बदलता है सर? क्या बदलता है? नंबर तो बदल जा रहा है, उसका इफेक्ट इफेक्ट कैसे वो समझे कि कैसे बदल रहा है इसका इफेक्ट? इफेक्ट बदलता है ना जब आप पॉइंट लगाएंगे, जब आप डिवीजन करेंगे। हमने कल भी आप क्लास में नहीं थे ना, उसमें जैसे हम लोग अपोजिट फ्लो का ज्यादातर यूज जो करते हैं वो वेनस फ्लो में और ब्रेन की कंडीशन में करते हैं। कहीं पे क्लीनिंग करनी हो, जैसे सपोज डेट मान के चलिए लीवर की क्लीनिंग करनी है, ठीक है ना, तो ऐसे कंडीशन में वहां से चीजों को निकालना है ना। नॉर्मल फ्लो में क्या होता है, उसमें एकदम सामान्य तरीके से जो बहाव है ब्लड का, न्यूट्रिशन का, नॉर्मल फ्लो से जा रहा है। लेकिन जब अपोजिट फ्लो का बात करते हैं तो वहां से चीजों को निकालते हैं, लिम्फ को, ड्रेनेज को। सर बेसिकली तो चीजों को अपोजिट फ्लो में चलाना हो तो अपोजिट फ्लो यूज कर लेते हैं, चीजों को बाहर निकालना तो अपोजिट फ्लो यूज करते हैं बेसिकली। मेनली आप ये ध्यान में रखिए कि जब थोड़ा सा अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत होइए इन सब चीजों में, क्योंकि जब आप आगे बढ़ेंगे ना, जब आप आगे बढ़ेंगे, आगे की चीजों को पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि अपोजिट फ्लो हमें कहाँ कहाँ यूज करना है, नॉर्मल फ्लो हमें कहाँ कहाँ यूज करना है। ठीक है ना, क्लियर हो जाएगा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। इसको तो अभी इसको समझना है केवल कि ये क्योंकि ये दोबारा कोई समझाने वाला नहीं होगा, अपोजिट फ्लो लगाने कह दिया जाएगा तो इसको समझ लीजिए कि अपोजिट फ्लो इस तरह बनता है, यूज जहाँ होगा वहां समझ में हम लोग आ जाएगा। वहां जब आप थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे, थ्योरी पार्ट जब पढ़ेंगे ना आप, जब थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे, जब आगे बढ़ेंगे तो वहाँ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कहाँ कहाँ हमें अपोजिट फ्लो यूज करना है, कहाँ नहीं करना है, तो वो बहुत अधिक कठिन नहीं है। लगाते लगाते सीख जाएंगे ना, सीख जाएंगे, बहुत कठिन नहीं है, बहुत कठिन नहीं है, बस ये प्रैक्टिस वाली चीज है कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप आ जाएगा। ठीक है ना संजय जी? संजय जी ये जो नंबर आप समझ रहे हैं, ये नंबर एनर्जी नंबर है, ये आकाश वायु अग्नि, अगर आप आयुर्वेद पढ़ रहे हैं तो आकाश वायु अग्नि जल के नंबर है। अगर इन नंबरों का सिस्टम बदल जाएगा तो आपके शरीर में परिवर्तन भी डिफरेंट होगा, बस ये समझ लीजिए। ये नंबर नहीं है, ये एनर्जी है, एनर्जी है। ठीक है जी सर, वो तो हम लोग वापस आते हैं फिर से अपोजिट फ्लो, आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके बाद जैसे हम लोगों ने वर्टिकल में उसके दो ब्रांच की बात किया था हम लोगों ने, कि वर्टिकल मेरिडियन है और वर्टिकल मेरिडियन के दो और ब्रांच है जिसको हम लोगों ने आरएलबीएम और एलबीएम के रूप में जाना था, लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन और रीजनल लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन का हम लोगों ने बात किया था कल। उसी तरह से जो हॉरिजॉन्टल मेरिडियन है इसके भी दो ब्रांच है, हॉरिजॉन्टल मेरिडियन के भी दो ब्रांच है इसके, और एक ब्रांच को बोलते हैं LHM और दूसरे को बोलते हैं RLHM। तो LHM का मतलब हो गया लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन और RLHM का मतलब हो गया रीजनल लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन। तो जैसे वहां पे उस जगह पे वर्टिकल में दो पास की मेरिडियन को जोड़ के, दो वर्टिकल को जोड़ के लॉन्ग वर्टिकल बना रहे थे, उसी तरह से यहाँ पे दो पास की हॉरिजॉन्टल मेरिडियन को जोड़ के हम लोग लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, रीजनल लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन इसका निर्माण करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल अगर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अगर हॉरिजॉन्टल के पॉइंट आपने अगर अच्छे से समझ लिए होंगे कैसे लगाना है हमें, तो रीजनल लॉन्ग हॉरिजॉन्टल भी बहुत अधिक कठिन नहीं होगा आपके लिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी मकसद कुछ कुछ ऐसा ही है और यहाँ भी मकसद यही है कि नंबर ऑफ पॉइंट कम हो, हमारा इफेक्ट ज्यादा हो। तो एक से दो मेरिडियन को अगर जोड़ दिया जाए तो पॉइंट भी कम हो जाएंगे और हमें इफेक्ट भी ज्यादा मिल जाएगा। तो देखिए इसका एक आप इस चार्ट में आपको दिख रहा होगा,
तो यहाँ पे नंबर सिस्टम आपको दिख रहा होगा कि नीचे वाले हॉरिजॉन्टल पे आपको कुछ और नंबर दिख रहे होंगे, ऊपर वाले हॉरिजॉन्टल पे कुछ और नंबर दिख रहे होंगे, आपको बैक में भी वैसे ही दिखेगा, नीचे वाले हॉरिजॉन्टल पे कुछ और। हाँ जी सर, हॉरिजॉन्टल पढ़ाने से पहले एक बात वर्टिकल में मुझे पूछना था सर, कल जो आपने बताया था ना उसमें से सर, जैसे आपने बताया था आरएलबीएम में हम ये मतलब कम रीजन वाले को अधिक रीजन में कम पॉइंट यूज करते हैं, कम पॉइंट में अधिक रीजन हमारा कवर हो जाए ऐसा करते हैं, और एलबीएम में हम लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन को करते हैं। सर एलबीएम में हम पेयर ऑर्गन का ट्रीट कर सकते हैं, जैसे किडनी और जीबी में प्रॉब्लम हो, किडनी और जीबी में, हाँ किडनी और अगर किसी एक में, किडनी और जीबी में अगर कोई प्रॉब्लम होता है किसी एक में होगा तो दूसरा तो अफेक्टेड होगा ही, तो ऐसे कर। देखिए इसमें क्या है ना, अभी जो आप सीख रहे हैं यह है एप्लीकेशन पार्ट, ठीक है ना। यस सर, अभी जो आप सीख रहे हैं यह है एप्लीकेशन पार्ट, और एप्लीकेशन पार्ट में हम अभी आपको बेसिक बता रहे हैं, सिंपल सा उपचार बताए हैं आपको, बहुत अधिक हाई फाइव एडवांस में लेके नहीं जा रहे हैं आपको, हमने आपको सिर्फ बताया रीजन वाइज। अभी गॉल ब्लेडर और किडनी की बात कर रहे हैं, वो बहुत क्रॉनिक कंडीशन हो गई, अंदर के ऑर्गन की प्रॉब्लम ही हो गई ना। आप सुनिए मेरी बात, सुनिए पूरी बात सुनिए, जब आप थोड़ा एंटर करेंगे, जब इस थ्योरी में आप अंदर पढ़ेंगे तो ऐसे कंडीशन में आपको अलग अलग ज्वाइंट भी मिलते हैं ऑर्गन के, ठीक है ना। ये हमने आपको सामान्य उपचार बताया, उपचार में भी सामान्य और विशेष है, लेकिन अगर किसी की किडनी में प्रॉब्लम है, किसी की गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम है, तो ये आपका सामान्य उपचार से इससे बहुत अधिक कुछ नहीं होगा, बात समझिए, बहुत अधिक कुछ नहीं होगा। तो वहां पे आपको आयुर्वेद में अलग अलग ज्वाइंट्स भी मिलते हैं ऑर्गन के। फिर आप थोड़ा सा और एडवांस में जाएंगे, जब इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तो एक एक ऑर्गन का डिवीजन मिलेगा आपको। किडनी है, किडनी को भी 10 भागों में बांटा गया है, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली 10 भागों में बांटा गया है, उसके जिस भाग में दिक्कत है उस भाग को ट्रीट कर सकते हैं। बहुत अधिक नहीं आ रहा है तो किडनी का कोई ज्वाइंट होगा, उस ज्वाइंट पे आप हॉरिजॉन्टली पॉइंट लगा सकते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ सिर्फ आप अभी एप्लीकेशन पार्ट समझिए कि एप्लीकेशन कैसे हो रहा है, कौन सी मेरिडियन कैसे लगा रहे हैं, क्योंकि आगे जब हैंडबुक और सारी चीजों को पढ़ेंगे तो वहां पे जैसे मान के चलिए किडनी के किसी पार्ट में आपको आरएलएचएम, किडनी का मान के चलिए कोई कैलिक्स वाला भाग है या फिर पेल्विस वाला पार्ट है जहां से यूरिन निकलता है, उस जगह की कोई स्ट्रक्चर में गड़बड़ी आ गई, तो उसके भाग के अलग अलग नंबरिंग है, 10 भागों में किडनी को बांटा गया है, तो वहां पे आपको आरएलएचएम में अगर लगाना है तो ये चीजें आपको वहां मदद करेगी, ये चीजें आपको वहां मदद करेगी। अभी आपको सिंपली उपचार और एप्लीकेशन पार्ट से बता रहे हैं हम अभी आपको, बात समझ रहे हैं। हाँ जी जी सुधा जी, ऐसा देखिए सब लोग समझ रहे, ये प्रैक्टिकल का एक आपको अनुभव, जो आप लोग कह रहे थे कि स्पाइरल लगाना नहीं आता, एलएचएम लगाना नहीं आता, उसको समझने का तरीका, अगर इसको अभी बीमारी से रिलेट करने लगेंगे तो जो हमारा चक्कर है वो हर, हम लोग स्पाइरल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, फिर स्पाइरल रह जाएगा। तो हमारा दृष्टिकोण ये है कि आप अभी मत सोचे कि क्या क्या बीमारी है, आप क्यों सोचे कि आगे और पीछे के लिए ये लगना है, ये साइड के लिए ये लगना है, बस इतना समझ, उसको लगाने का तरीका समझ लीजिए और नोट करिए कि कैसे लगाया जाएगा। मान लीजिए एलएचएम में ऑपोजिट फ्लो लगाना हो, कोई कह दे कि एलएचएम में आप नहीं, अभी क्या कहते हैं हॉरिजॉन्टल मेरिडियन में आपको अपोजिट फ्लो लगाना, तो आप ये मत सोचे कि कैसे लगाना है, ये ना भूलिए, एप्लीकेशन पार्ट ये है, और अल्टीमेटली वो तो बीमारी का बारे में तो आप पढ़ेंगे ही पूरा, लेकिन ये छूट जाएगा तो फिर वो दोनों, जब हम लोग उसको पढ़ा रहे थे तो आप लोग कह रहे थे कि हमको स्पाइरल लगाना नहीं आता, आप कैसे यूज करें, अब स्पाइरल सीख लीजिए क्योंकि एक क्लास इसके अलावा और है, बस ठीक है सर, एप्लीकेशन पार्ट सीखिए, जब आप आगे बढ़ेंगे ना, आगे जब बढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें मिलेंगी, बिल्कुल एप्लीकेशन पार्ट सीखिए। और सिंपल उपचार हम इसलिए बता रहे हैं ताकि ये भी आपको आए, इसलिए हम जोड़ रहे हैं, इसलिए बहुत अधिक अभी उस पर मत जाइए आप, वो नहीं बताते तो भी चल जाता। हाँ है ना जी जी, और एलएचएम सुन लीजिए, एलएचएम के लिए नोटबुक निकाल लीजिए, स्पाइरल के बाद नेक्स्ट स्टफ जो है एलएचएम है, इसलिए ध्यान दो ही आपको समझाना मेन है, एलएचएम और स्पाइरल, तो अब आगे क्लास नोट करिए केवल, ठीक है सर। हम लेके चलते हैं फिर से वापस इनको, और
वापस आ रहे हैं हम लोग फिर से हॉरिजॉन्टल पे। तो हम लोग बात कर रहे थे आरएलएचएम की, रीजनल लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन। तो देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, एग्जांपल ऑफ वन सेट ऑफ आरएलएचएम विद फिगर, फिगर के साथ एक आरएलएचएम मेरिडियन को दिखाया गया है। और वो आरएलएचएम मेरिडियन कौन सा है, जीरो हॉरिजॉन्टल, यानी जीरो और वन आरएलएचएम, यानी इसमें दो हॉरिजॉन्टल है, एक जीरो हॉरिजॉन्टल है और दूसरा जो है वन हॉरिजॉन्टल है। इन दोनों को जब मिला देंगे तो ये हो जाएगा आरएलएचएम, कौन सा आरएलएचएम, जीरो वन आरएलएचएम, जीरो ऑब्लिक वन आरएलएचएम। अब देखिए इसमें एक चीज और लिखा है कि जो पॉइंट एप्लीकेशन स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा जीरो से, और जो समाप्त होगा वो कहां हो रहा है, वन पे, जीरो से स्टार्ट होके वन तक जाएगा, ये फ्रॉम जीरो हॉरिजॉन्टल टू वन हॉरिजॉन्टल। यानी इन दोनों पे अगर पॉइंट पूरा का पूरा कंप्लीट कर दे तो यहाँ आके हमारा जीरो वन हॉरिजॉन्टल कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए इसमें जो दो हॉरिजॉन्टल में लगा रहे हैं हम, तो इसमें अगर जीरो वन हॉरिजॉन्टल है तो जीरो हॉरिजॉन्टल पे जो हमारा पॉइंट आएगा वो आएगा जीरो वन फोर फाइव एट, और जो दूसरा हॉरिजॉन्टल हमारा है, जैसे ये वन हॉरिजॉन्टल है, इस पे जो हमारा पॉइंट आएगा वो आएगा टू थ्री सिक्स सेवन एंड नाइन, ये पॉइंट आएगा हमारा। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में आपको रखना ही होगा। कोई भी हॉरिजॉन्टल आप लगाएं, चाहे मान के चलिए आपको टू थ्री हॉरिजॉन्टल अगर आरएलएचएम लगाना हो, आरएलएचएम लगाना हो तो सेम फॉर्मूला होगा, यानी टू हॉरिजॉन्टल पे ये वाले पॉइंट होंगे जीरो वन फोर फाइव एट, और थ्री वाले हॉरिजॉन्टल पे जो पॉइंट होंगे वो हमारे ये होंगे नीचे वाले, और जगह जो है वो वही निश्चित होगा जो सामान्य नंबर हमारे हैं पहले से, ये नंबर जो हमारे यहाँ उंगलियों पे लिखे हुए हैं ये नंबर वही होंगे, बस हॉरिजॉन्टल बदल जाएगा, दूसरे वाले हॉरिजॉन्टल पे ये चले जाएंगे। जैसे कि इस चार्ट में देखिए आपको अगर दिख रहा हो तो इस चार्ट में देखिए आपको दिख रहा होगा ये है हमारा जीरो हॉरिजॉन्टल, हम इसे येलो कलर कर देते हैं तो आपको समझ में आए। ये मान के चलिए आपका ये है जीरो हॉरिजॉन्टल और ये है आपका वन हॉरिजॉन्टल, तो ये पामर का आगे भाग, आगे का भाग हो गया पामर और ये डोर्सल भाग हो गया, ये देखिए पीछे का हो गया ये जीरो हॉरिजॉन्टल और ये हो गया हमारा वन हॉरिजॉन्टल। तो देखिए इस पे जो हमारा पॉइंट एप्लीकेशन है, जीरो पे हम लोगों ने बताया कि पहले वाले हॉरिजॉन्टल पे ये वाले पॉइंट लगेंगे जीरो वन फोर फाइव एट, और दूसरे वाले हॉरिजॉन्टल पे जो हमारा पॉइंट लगेगा वो लगेगा ये टू थ्री सिक्स सेवन नाइन। तो देखिए यहाँ पे कुछ कुछ ऐसा ही है, इस जगह पे अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ भी कुछ कुछ ऐसा ही है, यहाँ पे कोई अंतर नहीं, कोई बदलाव नहीं है। तो देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा कि जो जीरो वाले हॉरिजॉन्टल है उस पे जो नंबर हमारा है वो है जीरो वन फोर फाइव और एट, लेकिन देखिए बाकी जगह जो है खाली है, नाइन का जगह खाली है, सेवन का जगह खाली है, सिक्स का जगह खाली है, और आगे की तरफ देखेंगे तो टू का जगह खाली है, थ्री का जगह खाली है। तो हमने पहले ही बताया कि दूसरे जो पॉइंट है वो सेकंड वाले हॉरिजॉन्टल पे लगेंगे, सेकंड वाला हॉरिजॉन्टल है हमारा वन, यानी वन हॉरिजॉन्टल पे हमारा देखिए ये आ गया टू थ्री, थ्री के बाद सिक्स सेवन और नाइन, जगह बिल्कुल इसका वो खाली रहेगा जहां पे जो पॉइंट लग रहे हैं। जैसे अब यहां तक एट लगा है तो इसके सामने का जैसे नाइन है तो नाइन का ये जगह देखिए स्पेस खाली है, यहाँ पे यहाँ कोई पॉइंट नहीं है, यहाँ टू नहीं लगा तो टू का स्पेस खाली है, थ्री का स्पेस खाली है। यानी एक टेप में अगर आपको 10 के 10 पॉइंट लगाना हो, जैसे लगाना हो टू फोर फाइव सेवन नाइन सीडेट जीरो वन थ्री सिक्स एट टोन, मान के चलिए आपके 10 पॉइंट आपको लगाना है, तो आपको हम इस पे ड्रॉ करके दिखाते हैं इस चार्ट पे, तो आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ देखिए ये आपका कोई भी हॉरिजॉन्टल आप बना सकते हैं, कोई भी हॉरिजॉन्टल आप ले सकते हैं, मान के चलिए हम लोग ड्रॉ करते हैं फाइव सिक्स हॉरिजॉन्टल, देखिए हमारा ये फाइव है, फाइव हॉरिजॉन्टल है और ये सिक्स हॉरिजॉन्टल है, हाथ में इधर आएंगे तो देखिए इधर पीछे साइड भी ये फाइव हॉरिजॉन्टल है और ये सिक्स हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग फिफ्थ हॉरिजॉन्टल और ये हमारा हो गया सिक्स हॉरिजॉन्टल। इसको ध्यान से देखिएगा तो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। तो देखिए जैसे हमें लगाना है, मान के चलिए कोई प्रोटोकॉल लिखते हैं, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर फाइव ऑब्लिक सिक्स आर एल एच एम, और यहाँ पॉइंट हमें लगाना है टू फोर फाइव सेवन नाइन सीडेट जीरो थ्री वन थ्री सिक्स एट
टोन, मान के चलिए ये प्रोटोकॉल आपको लगाना है, तो आपको कुछ करना नहीं है। पहले वाले हॉरिजॉन्टल पे जो हमारा पॉइंट लगेगा, यानी पहला वाला हॉरिजॉन्टल कौन सा है, पांच, इस पे जो हमारा पॉइंट लगेगा वो है 1 0 1 4 5 8। दूसरा वाला जो हॉरिजॉन्टल है वो है सिक्स हॉरिजॉन्टल, इस पे जो हमारा पॉइंट लगेगा वो लगेगा 2 3 6 7 9। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको याद है, देखिए कितना इजी हो जाएगा आपके लिए। तो देखिए हमें अगर फिफ्थ हॉरिजॉन्टल पे हमें लगाना है 0 1 4 5 8, तो सेंटर में हमारा यहाँ पे आ जाएगा 0। कलर हम चेंज कर देते हैं थोड़ा, और देखिए हमारा सेंटर में यहाँ पे आ गया 0। 0 के बाद 1 4, और 4 के ठीक पीछे अगर जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। 0 1 4 यहाँ हो जाएगा 5 और 8। ये पांच पॉइंट हमारे पहले वाले हॉरिजॉन्टल पे आ गए। बाकी पांच पॉइंट जो है वो है 2 3 6 7 9, तो वो हमें लगाना है दूसरे वाले हॉरिजॉन्टल पे। और दूसरा वाला जो हॉरिजॉन्टल है वो हमारा ये वाला हॉरिजॉन्टल है, दूसरा वाला सिक्स हॉरिजॉन्टल ये है, तो इस पे हमारा पॉइंट लगना है 2 3 6 7 9। तो देखिए इस पे हम लोग पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे 2 3 6 7, और सेंटर में बिल्कुल बीचों बीच हो जाएगा 9। तो आप देखिए बिल्कुल 9 का जगह यहाँ खाली है, 7 का जगह खाली है, 6 का जगह खाली है, 2 का जगह खाली है, 3 का जगह खाली है। तो इस तरह से आप हॉरिजॉन्टल लगा सकते हैं। आपको एक पॉइंट लगाना हो, दो पॉइंट लगाना हो, मान के चलिए इसमें सिंपल अगर पॉइंट रहे कि लेफ्ट इंडेक्स फिंगर 5 6 RLHM, और इसमें पॉइंट रहे मात्र कि 4 5 स्लेट और 3 6 स्टोन करना है ओनली। सपोज दैट कि प्रोटोकॉल है इसमें 4 5 स्लेट 3 6 स्टोन, ये है प्रोटोकॉल आपका 4 5 स्लेट 3 6 स्टोन 0 टोन 9 स्लेट, ठीक है ना। तो आपको कुछ करना नहीं है। देखिए यहाँ फिर से एक और ड्रॉ करके बताते हैं, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखिए एक बार फिर से हम दूसरा कोई प्रोटोकॉल आपको लगा के दिखा रहे हैं। तो देखिए 5 और 6 हॉरिजॉन्टल पे RLHM पे लगाना है ना, 5 6 RLHM। तो ये फिफ्थ हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, और ये हो गया सिक्स्थ हॉरिजॉन्टल मेरिडियन। ये आपको समझ में आ रहा है कि फिफ्थ और सिक्स्थ है, ठीक है। तो हम लोगों ने बात किया कि 0 1 4 5 8 ये पहली वाली मेरिडियन पे, और दूसरे वाली पे 2 3 6 7 9। अब देखिए पॉइंट हमको जो लगाना है वो लगाना है सिर्फ ये 6 पॉइंट है, 4 5 स्लेट 3 6 स्टोन 0 टोन 9 स्लेट। तो देखिए हमारी पहले वाली हॉरिजॉन्टल पे जो पॉइंट लगेगा वो 0 4 और 5। तो हमें कुछ करना नहीं है, पहले वाले हॉरिजॉन्टल पे हमने लगा दिया 0 है ना, उसके बाद 4, उसके बाद 5, ये हमारे पहले वाले हॉरिजॉन्टल पे पॉइंट हो गए। बाकी दूसरा पॉइंट है 3 6 और 9। तो देखिए 3 6 और 9 जो आ रहा है वो दूसरे वाले हॉरिजॉन्टल पे आ रहा है। तो दूसरे वाले हॉरिजॉन्टल पे हमने यहाँ लगा दिया 3 6 और सेंटर में 9, ये प्रोटोकॉल हमारा लग गया। यानी लेफ्ट इंडेक्स फिंगर 5 6 RLHM 4 5 स्लेट 3 6 स्टोन 0 टोन 9 स्लेट अपोजिट, सॉरी RLHM अपोजिट फ्लो नहीं, RLHM अपोजिट फ्लो की बात नहीं कर रहे हैं अभी। आप लोगों को समझ में आया ये? यस सर। समझ में आया आप लोगों को, है ना सर? आया। कोई दिक्कत? केवल सामान्य विशेष को मान याद रखिए बस। ये नंबर सिर्फ आपको याद होने चाहिए कि पहले वाले हॉरिजॉन्टल पे ये नंबर लगेंगे, और दूसरे वाले नंबर जो हॉरिजॉन्टल है उस पे ये वाले नंबर लगेंगे। ये सामान्य नंबर है, ये विशेष नंबर है। आपके हाथों में भी देखिए राइट हैंड में ये नंबर है सामान्य वाले 1 4 5 8 0 1 4 5 8, और लेफ्ट हैंड में जो है आपके ये पॉइंट है विशेष वाले 2 3 6 7 9। तो आपको बस यही करना है, पॉइंट आपके चाहे यहाँ 4 5 स्लेट 3 6 टोन हो या 2 4 5 स्लेट 3 7 टोन हो, तो बस आपको यही देखना है कि पहले वाले हॉरिजॉन्टल पे कौन कौन से पॉइंट लगने हैं, दूसरे वाले हॉरिजॉन्टल पे कौन कौन से पॉइंट लगने हैं। करेक्ट, समझ में आया आप लोगों को RLHM? लगा लेंगे आप लोग? यस सर। अगर नहीं लगा पाएंगे तो आप लोग बताइए, आपके हिसाब से कोई हॉरिजॉन्टल और लगा के बताएं आपको, अगर नहीं समझ में आया हो तो। समझ में आ गया हो तो आगे बढ़े हम लोग। सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए ना थोड़ा। आप ही बताइए, कोई हॉरिजॉन्टल बताइए उस पे लगा के दिखाते हैं आपको, पॉइंट भी बताइए हॉरिजॉन्टल भी बताइए, आपको लगा के दिखाते हैं तो आपको समझ में भी आएगी चीजें।
सर एक बार मैंने जो समझा उसको पूरे 10 पॉइंट लगा दीजिए। नहीं सर एक मिनट, अगर पूरा 10 पॉइंट लगा दीजिए तब समझ में आ जाएगा। पूरा 10 पॉइंट लगा के बता देते हैं। हाँ हाँ जो आपने बताया है वो हॉरिजॉन्टल में अगर दो हॉरिजॉन्टल नॉर्मल लेते हैं तो 20 पॉइंट लगेंगे। हाँ दो हॉरिजॉन्टल पे लगाते हैं तो टोटल 20 पॉइंट होता है। अब देखिए हम एक तरीके से बता रहे हैं ये और अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। आरएचएम में अगर करते हैं तो वही 10 पॉइंट को दोनों हॉरिजॉन्टल में डिवाइड कर देंगे। देखिए अभी जैसे हम आपको कोई एक दूसरा हॉरिजॉन्टल बताते हैं लगा के, ठीक है ना। हम अभी 3-4 हॉरिजॉन्टल लगाते हैं, 3-4 आरएचएम। ये कौन सा हॉरिजॉन्टल है? 3। ये कौन सा हॉरिजॉन्टल है? 4। ठीक है ना, दो हॉरिजॉन्टल हमने लगाया। अब देखिए इस पे दोनों पे नंबर हम सामान्य तरीके से प्लॉट करते हैं, फिर आपको बताएंगे इसमें कैसे लगाना है। जैसे इसमें देखिए हम नंबर अभी नीचे डाल दे रहे हैं सामान्य तरीके से सब पे, 0, 1, 4, 2, 3। बैक में जाएं तो सेंटर में हमारा हो जाएगा 9, 8, 5, 7 और 6। ठीक है ना। जैसा हमारा तीसरे हॉरिजॉन्टल पे पॉइंट है वैसे ही कुछ हमारा चौथे नंबर हॉरिजॉन्टल पे भी होगा। होगा कि नहीं होगा? यही नंबर यहाँ भी होगा, 0, 1, 4, 2, 3। उसी तरह 4 पे जाएंगे तो यहाँ 9, 8, 5, 7 और 6। अब देखिए कुछ करना नहीं है आपको, अब इतना इजी तरीके से हम आपको बता रहे हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा। एक चीज हमने पहले क्या बताया आपको, हमने ये बताया आपको कि आपको ये नंबर सामान्य और विशेष वाले जो नंबर है वो नंबर आपको ध्यान में रखना है। तो जो नंबर है हमारा, सॉरी कलर वाला ये हट गया, एक मिनट। अच्छा ये आ गया, ठीक है। तो देखिए ये नंबर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये नंबर हमारे वही रहेंगे, इसमें कोई ज्यादा बदलाव नहीं रहेगा, ठीक है। तो हमने बताया आपको कि आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो पहले वाले हॉरिजॉन्टल पे नंबर लगेंगे वो लगेंगे 0, 1, 4, 5, 8 और दूसरी वाले पे नंबर लगेंगे 2, 3, 6, 7, 9। ये याद रखिएगा आप, अगर ये याद है तो आपको आसानी हो जाएगा। अब देखिए हम लोग यहाँ लगा क्या रहे हैं प्रोटोकॉल, वो लगा रहे हैं मान के चलिए लेफ्ट इंडेक्स फिंगर 3/4 RLHM। ये लिखना भी, ये प्रोटोकॉल भी लिखने का तरीका है, इसको भी समझा कीजिए आप लोग जिस तरह से लिख रहे हैं, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर 3/4 RLHM। अब यहाँ पे हम लोग पॉइंट लगा रहे हैं मान के चलिए 2, 4, 5, 9, 0, 3, 6, 7 टोन, ठीक है ना। अब यहाँ प्रोटोकॉल बदला हमारा, तो हमें कुछ करना नहीं है, हमें सिर्फ ये करना है, हमें सिर्फ देखना है कि हमें पहले वाले हॉरिजॉन्टल पे कौन कौन से पॉइंट लगाने हैं। तो पहले वाले हॉरिजॉन्टल पे जो हमारा पॉइंट मिलेगा कौन कौन सा मिलेगा, 4, 5, ठीक है ना, जीरो? और कौन सा मिलेगा, और 0 मिलेगा, यही मिलेगा ना। तो हमें कुछ करना नहीं है, यानी पहले वाले हॉरिजॉन्टल पे हम लोगों को क्या करना है, 0 नंबर लगा देना है। देखिए यहाँ 0 पे हमने लगा दिया, ठीक है ना। उसके बाद हमने 4 पे लगा दिया पॉइंट यहाँ पहले वाले हॉरिजॉन्टल पे, ये देखिए। उसके बाद हमें 5 नंबर पे लगाना है, देखिए हम थर्ड हॉरिजॉन्टल पे ही लगा रहे हैं इस समय, ठीक है ना। ये हमने पॉइंट लगा दिया, बाकी जो पॉइंट है, बाकी जो पॉइंट लगेंगे वो दूसरे वाले हॉरिजॉन्टल पे लगेंगे 2, 3, 6, 7, 9। तो देखिए 2 जहां पे है वहां पे हम दूसरा कलर कर देते हैं, दूसरे कलर से दिखाते हैं आपको तो समझ में आएगा अच्छे से। अब देखिए 2 पे हमने यहाँ पे एक मैग्नेट लगा दिया, सीडेट टोन जैसे भी करना है वो तो आप मैग्नेट से आसानी से कर लेंगे ना। उसके बाद 3 नंबर पे भी हमने मैग्नेट लगा दिया, 2, 3। उसके बाद 6 नंबर पे, देखिए हम लोग फोर्थ हॉरिजॉन्टल पे काम कर रहे हैं, 7 और 9। ये देखिए आपका प्रोटोकॉल लग गया, ये प्रोटोकॉल आपका लग गया, देखिए लग गया कि नहीं। हेलो यस सर, आपका प्रोटोकॉल लग गया कि नहीं, लग गया कि नहीं, कुछ छूटा नहीं, छूटा ना, पूरा का पूरा प्रोटोकॉल हो गया कि नहीं।
तो आपका नंबर अगर आप 10 का 10 हॉरिजॉन्टल जैसे पढ़े ना, 10 पे सेम नंबर है, ये नंबर अगर आपको ये याद है तो आसानी से किस हॉरिजॉन्टल पे आपको कौन कौन से पॉइंट टोन करने हैं, कौन कौन से सेट करने हैं आरएलएचएम में, आप आसानी से कर लेंगे। ये थोड़ा आपको और अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। और 10 के 10 पॉइंट अगर लगाने हैं तो इधर के देखिए 5 पॉइंट इधर के हो जाएंगे और 5 पॉइंट उधर के हो जाएंगे, तो 10 के 10 पॉइंट हो गए। 5 देखिए नीचे वाली हॉरिजॉन्टल पे हो गए, 5 ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल पे हो गए। तो जितने पॉइंट हमें लगाना है उतने पॉइंट का हम चयन कर लेंगे, ठीक है। चलिए ये भी आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन प्रैक्टिस चाहिए, बिना प्रैक्टिस का होगा नहीं, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा इसको। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, हॉरिजॉन्टल से आगे बढ़ते हैं रिलेशन से, ठीक है ना। ठीक उसी तरह से जैसे कि हाथ में आप हॉरिजॉन्टल लगाते हैं वैसे ही पैरों पे भी सेम टू सेम वही कंडीशन है, वैसे ही पैरों पे भी पॉइंट आप लगा सकते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है। चलिए इसके बाद हम आपको स्पाइरल पे ले जाने से पहले एलएचएम बताते हैं आपको। तो हॉरिजॉन्टल का हमने बताया कि दो पार्ट है, एक अपोजिट। हाँ सर अपोजिट फ्लो, अपोजिट फ्लो बाद में बताएंगे, पहले नॉर्मल तो बता देते हैं सर। इसका अपोजिट फ्लो क्या? नहीं अपोजिट फ्लो बाद में बता देंगे, पहले नॉर्मल फ्लो क्लियर कर देते हैं, पहले नॉर्मल फ्लो बता देते हैं सर, फिर अपोजिट फ्लो बता देंगे, ठीक है सर। तो दूसरा पार्ट जो है आरएलएचएम का वो है हॉरिजॉन्टल मेरिडियन का, वो है एलएचएम, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे लगाते हैं, किस तरह से इसका हम लोग यूज करते हैं, तो अभी आपने देखा कि जब हम लोग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन की बात कर रहे थे तो 10 हॉरिजॉन्टल बना रहे थे फिंगर में हम लोग इस तरह से, तो सिंगल सिंगल हॉरिजॉन्टल पे लगाया, तो 0 हॉरिजॉन्टल, 1 हॉरिजॉन्टल, 2 हॉरिजॉन्टल, 3 हॉरिजॉन्टल इस तरह से लगाया। फिर हम लोग इसके एक सेकेंड पार्ट था जो कि आरएलएचएम, तो उसमें हमने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरी हॉरिजॉन्टल को मिला के एक आरएलएचएम बना दिया, 01, 02, 03 जो भी आरएलएचएम बना सकते हैं हम, उसको हमने बना दिया। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन की बात करते हैं, एलएचएम की बात करते हैं, लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन की बात करते हैं, तब यहाँ हॉरिजॉन्टली जो हम लोग इस तरह हॉरिजॉन्टली कट कर रहे हैं, इसका कट करने का तरीका बदल जाएगा। तरीका ये बदल जाएगा कि पहले कोई चीज थी और आपने इसको ऐसे ऐसे काटा, इस तरह से आपने पूरी बॉडी को काट दिया हॉरिजॉन्टली। लेकिन वहीं अगर लॉन्ग हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं हम लोग, लंबे हॉरिजॉन्टल मेरिडियन की बात करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में जो काटने का सेक्शन था ये वाला सेक्शन बदल जाएगा हमारा। तो जैसा कि देखिए आप अगर हमें देख पा रहे होंगे, तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे डायरेक्ट पहले आपसे बात करते हैं, उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं। तो जैसे अभी आप सपोजेड मान के चलिए ये कोई चीज है, ये आपका ट्रंक रीजन है बॉडी का, ठीक है ना, और इस ट्रंक रीजन को आपने इस तरह से काटा 10 भागों में हॉरिजॉन्टली, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है। लेकिन कट का सेक्शन बदल भी सकता है, कट का सेक्शन ये भी हॉरिजॉन्टल है, लेकिन क्या अगर इसको हम बीचों बीच काट दें, कोई अंडा है और उसको हम बीचों बीच काट दें ऊपर से और उसको दिखाएं, तो क्या वो हॉरिजॉन्टल शेप नहीं होता है, ओवल शेप होता है कि नहीं? वो भी तरीका हमारा बदल गया ना, हमने बीच से नहीं काटा उसको, हमने क्या किया उसके सेक्शन का तरीका बदल दिया। अपने बॉडी को पहले हम ऐसे काट रहे थे 10 भागों में, अब हमने अपनी बॉडी का सेक्शन का तरीका बदल दिया, बिल्कुल बीच से काट दिया हमने, 2 भागों में बॉडी को इस तरह से अलग कर दिया, पीछे का भाग पीछे, आगे का भाग आगे, बात समझ रहे हैं आप। हमने इसको अब बिल्कुल सेक्शन कर दिया ऊपर से, यहां से सेक्शन कर दिया, इसका आगे का भाग इधर, पीछे का भाग इधर, ठीक है ना। तो जब इसको हम कट करेंगे तो ये भी तो एक शेप लेगा। आप अंडा को काटते हैं बिल्कुल बीचों बीच काटिए, देखिए लॉन्ग बनता है ना। खीरा है, खीरा को काटिए, देखिए वो भी बिल्कुल एक लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बनता है। इस तरह से अगर आप ध्यान दें तो बिल्कुल लंबी हॉरिजॉन्टल बनती है, वो भी एक शेप लेती है लेकिन लंबी हॉरिजॉन्टल बनती है। तो यहाँ पे जब हम लोग लॉन्ग हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं तो बात कुछ और नहीं है, बात है हम लोगों ने कट करने का, सेक्शन करने का तरीका बदल दिया। हमने तरीका क्यों बदला, हमने तरीका इसलिए बदला कि अपना एक्यूप्रेशर भी कुछ कुछ सर्जरी के जैसा काम करता है। कमल के फूल को आप लोगों ने देखा होगा,
कमल की एक एक पंखड़ियां खुलती है और फिर फूल इस तरह से बिल्कुल फैल जाता है ना। तो अपनी बॉडी में भी अलग अलग ऑर्गन है, अलग अलग उसके पार्ट है ऑर्गन के, और अलग अलग पार्ट के अलग अलग फंक्शन है। जैसे हार्ट को ही ले लें तो हार्ट में भी बहुत सारी चीजें हैं, उसके ए बी नोड, ऐसे नोड, उसके तरह तरह के बल्ब हैं, ट्रैक स्पीड, बैक स्पीड, अलग अलग पार्ट हैं। तो इसका सेक्शन का तरीका करने से फायदा हम लोगों को ये होगा कि हम उस ऑर्गन के उस जगह को भी ट्रीट कर पाएंगे जो हमारे लिए कठिन था। इस सेक्शन के माध्यम से हम एक एक पार्ट, मान के चलिए आपका हार्ट है, आपने बीच से काटा, फिर एक भाग काटा, फिर एक भाग काटा, तो ऐसे कंडीशन में हम चाहें तो बिल्कुल माइक्रो लेवल तक जाके वहां पे उपचार कर सकते हैं, सर्जरी लाइक ट्रीटमेंट हम लोग दे सकते हैं वहां पे, बिल्कुल सर्जरी लाइक। समझ रहे आप लोग? सेक्शन का तरीका सिर्फ हमने बदला और बिल्कुल एक ऑर्गन को बिल्कुल पांच भागों में बिल्कुल अलग अलग कर दिया। अब हमें जिस भाग का उपचार करना है, भाई डॉक्टर करते क्या है, किसी के किडनी में स्टोन है, जिस पार्ट में स्टोन है वो क्या करते हैं, उसको काट को काट के अलग करते हैं, उसको दिखाते हैं, उसको फिर उसको निकालते हैं। तो हम लोग भी कुछ कुछ ऐसा ही कर रहे हैं, सेक्शन करके उस चीज तक पहुंच रहे हैं, वहां पे जाके उपचार कर रहे हैं। तो बस सेक्शन का तरीका बदला। अब आप लोग खाली सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि जो सेक्शन अभी ये कर रहे थे हॉरिजॉन्टली, अब हमारा सेक्शन ये हो गया, बात समझ गए, ये सेक्शन हो गया। तो अगर इसको हम इस तरह से काट करें तो हमारा देखिए एक लंबा हॉरिजॉन्टल बनेगा इस तरह का, ओवल शेप का, ओवल शेप का एक हॉरिजॉन्टल बनेगा इस तरह से। इसीलिए इसका नाम रखा गया लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन। जैसा कि वर्टिकल में आपने पढ़ा ना कि आप पीछे से चल रहे हैं, आगे से चल रहे हैं, पीछे तक जा रहे हैं, बिल्कुल लंबी, ठीक है ना, उसी तरह हॉरिजॉन्टल भी ये हम आपका बड़ा हॉरिजॉन्टल बनेगा, एकदम बिल्कुल बड़ा लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बन गया। तो देखिए इसमें दो तीन चीजें हैं जो आपको हम बताना चाहते हैं। एक तो इसका कटिंग का तरीका बदल गया, सेक्शन का तरीका बदल गया। दूसरा तरीका ये है कि इसके नंबर कुछ जो है वो नंबर जो है पहले वाले नंबर से थोड़ा डिफरेंट हो जाएंगे, अपनी जगह को ये बदलते हैं। क्योंकि सेक्शन का तरीका बदला तो स्वाभाविक बात है किसी भी चीज को हम सेंटर पॉइंट से अगर काट रहे हैं तो बीच में जीरो आगे की तरफ, पीछे की तरफ नाइन हो रहा था। लेकिन वही अगर हम ओवल शेप में काटेंगे तो हमारा कहीं जीरो होगा, कहीं नाइन होगा, साइड में ही तो होगा, बीच में तो नहीं हो सकता, बीच में तो नहीं हो सकता, तो ये साइड में होगा। तो हमारे कुछ नंबर जो है वो हमारे नंबर आगे पीछे होंगे, नंबरों में थोड़ी सी बदलाव होगी। वो बदलाव इसलिए होगी क्योंकि हम लोगों ने कट का तरीका बदला, तो उसी हिसाब से हमको नंबर भी बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए हम आपको फिर से इस चार्ट पे ले आते हैं और वहां पे आपको हम ड्रॉ करके अब दिखाते हैं। ये दिख रहा होगा आपको मेरा स्क्रीन, स्क्रीन शो हो रहा है? नो। अच्छा ओके ओके, हम कर रहे हैं स्क्रीन शेयर। इसके सारे पॉइंट्स नोट करते जाइए। LHM स्पाइरल से नंबर टू पे कठिन है। बस हम आपको स्क्रीन शो शेयर कर रहे हैं, एक मिनट। देखिए जैसा कि हमने अभी बताया कट का तरीका, मान के चलिए कोई अंडा है, ठीक है, और आपने काटना शुरू किया, यहाँ से काटना शुरू किया, बिल्कुल सेक्शन कर दिया, बीचों बीच सेंटर से आपने सेक्शन किया इसका, तो इसमें नंबरिंग जो है वो नंबरिंग का तरीका बदल जाएगा। तो देखिए एक बड़ा कट कटेगा, तो एक बड़ा कट जो कटेगा एक बनेगा इसमें 09 LHM, इससे थोड़ा छोटा कट कटेगा आगे की तरफ, जब भाग बांटेंगे तो आगे की तरफ भी तीन सेक्शन होंगे, पीछे की तरफ भी तीन सेक्शन होंगे। तो देखिए इसमें आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो यहाँ जब हम लोग LHM की बात करेंगे, लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन की बात करेंगे, तो जैसे हम लोग कट करते हैं ना, कट करने के बाद जो हमारा जीरो होगा वो देखिए अंगूठे की तरफ इधर साइड में जीरो होगा, और जो नाइन होगा वो हमारा फिंगर की तरफ इधर होगा। और अंगूठे में अगर LHM लगाए हम लोग 09 LHM, तो देखिए जीरो जो है उंगली की तरफ इधर जीरो होगा और इधर बाहर की तरफ नाइन होगा। तो ये जो LHM है, ये सेक्शन जो कर रहे हैं बिल्कुल बीचों बीच कर रहे हैं, मान के चलिए इसको बीचों बीच दो भागों में उंगलियों को काट रहे हैं। तो ये जो 09 LHM होगा, जैसे अपने इंडेक्स फिंगर को आप अगर देखेंगे तो इसको दो भागों में कर दें अगर बिल्कुल सेंटर से, तो एक आगे का भाग हो जाएगा और एक इंडेक्स फिंगर का बीच का दूसरा पीछे का भाग हो जाएगा। तो जो जीरो और नाइन है ये अपना जगह बदल लेता है, लेकिन इसका स्पेस यहाँ पे खाली रहेगा, इसके जगह पे कोई दूसरा पॉइंट लगता नहीं है, इसका स्पेस खाली रहता है। इसके बाद जीरो के बाद जैसे सामान्यतः जो पहले आपके नंबर थे वो 1 और 4 वे थे, यथावत रहेंगे 2 और 3,
ये नंबर आपके यथावत रहेंगे वैसे ही जैसे थे पहले, पीछे के नंबर भी ठीक उसी प्रकार से यथावत रहेंगे आपके। ये देखिए 09 यहाँ लिख दिए, पीछे के नंबर भी यहाँ आपके 8, 5, 7 और 6। अब देखिए इसमें थोड़ा सा बदलाव है, पहले आपको हम यथावत नंबर बता दें कि ये नंबर आपका सामान्य तरीके से था। इसमें जो अभी आपने देखा क्या चेंज देखा, आपने देखा 0 और 9 अपना जगह बदल लिया, 0 और 9 अपना जगह बदल लिया। तो देखिए हम पहले आपको आगे दिखाते हैं, उसके पीछे क्या नंबर चेंज होगा वो भी बताते हैं आपको। तो एक लंबी हॉरिजॉन्टल मेरिडियन जो बनी, अगर हम किसी चीज को बीचों बीच काटे तो सबसे लंबी हॉरिजॉन्टल मेरिडियन जो बनी वो बनी 0/9 LHM, बिल्कुल बाहर बाहर बॉर्डर लाइन को होते हुए लगेगी ये पॉइंट, आपको वो ड्रॉ करके भी हम दिखा देंगे। उसके बाद इससे छोटी हॉरिजॉन्टल जो बनेगी हमारी, ये जो 09 की बात कर रहे हैं ये बिल्कुल बॉर्डर लाइन है, जहां हमारे स्किन की व्हाइट और डार्क वाला भाग मिल रहा है, इस बॉर्डर लाइन से 0 से स्टार्ट होगा और इसी बॉर्डर लाइन पे यहाँ के बीचों बीच इसी बॉर्डर लाइन पे जाके यहाँ 9 समाप्त होगा। उसके बाद हमारी दूसरी जो हॉरिजॉन्टल यानी दो फांक में हमने किसी चीज को बांट दिया, अब इस दो फांक को भी और फांक में मतलब और भाग में इसको डिवाइड करेंगे हम, तो जो आगे वाला भाग है इसमें दो और हॉरिजॉन्टल बनेंगे। एक हॉरिजॉन्टल बनेगा आपका 3-4, देखिए इसमें कलर चेंज करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल बनेगा आपका 3-4, ये देखिए एक हॉरिजॉन्टल बना आपका 3-4 LHM लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन। उसके बाद दूसरी हॉरिजॉन्टल एक और मेरिडियन बनेगी, वो है 1-2 हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, 1 से चलेगी ये देखिए और 2 पे आके समाप्त होगी ये देखिए। तो आगे जो हमारा है वो दो हॉरिजॉन्टल मेरिडियन बना, जो 09 है बिल्कुल बाहर है, बिल्कुल लेटरल साइड में, बिल्कुल बॉर्डर पे है वो। तो आगे की तरफ हमारे दो हॉरिजॉन्टल मेरिडियन बने, वो है 1-2 और 3-4, ठीक है, 09 हमारे साइड में, उसकी बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। उसके बाद पीछे की तरफ जाएं तो पीछे की तरफ जो है 09 के बाद, 09 तो आपने देखा ही, 09 के बाद अंदर की तरफ जो बड़ी मेरिडियन बनेगी यानी पीछे वाले भाग में, यानी दो टुकड़ा हमने किया उसके बाद का जो स्लाइस बनेगा वो बनता है यहाँ पे, देखिए नंबर अगर देखें तो नंबर के हिसाब से 5 और 6 बन रही है बड़ी, और उससे छोटी जो बन रही है वो 7 और 8। लेकिन नंबरिंग सिस्टम से देखें तो ऐसे कंडीशन में अटपटा लगता है कि नंबर ऑफ जो हॉरिजॉन्टल 5-6 बड़ी हो रही है और 7-8 छोटी हो रही है। तो इसलिए संस्थान ने इसमें थोड़ा संशोधन कर दिया, इस नंबर को जो 8 अंदर है 5 बाहर है इसको उल्टा कर दिया, यानी इसको अंदर कर दिया, यानी 5 को अंदर कर दिया और 8 को बाहर, यहाँ पे भी 6 को अंदर कर दिया और 7 को बाहर कर दिया, यानी पहले वाले नंबर में थोड़ी सी जो है यहाँ पे चेंजिंग की गई है। चेंजिंग इसलिए की गई है कि हम पीछे वाले भाग को अगर फिर उससे छोटे स्लाइस में काटें तो उससे छोटा जो स्लाइस कटेगा वो हमारा 7 और 8 कटेगा। तो देखिए इसको हम लोग, दूसरी जो हॉरिजॉन्टल बनेगी हमारी वो बनेगी 7 और 8, यानी 7 से शुरू होगी, ये देखिए 7 से शुरू होगी और वो 8 पे आके समाप्त होगी ये। और इससे छोटी स्लाइस जो बनेगी, इससे और छोटा हमें काटना है, इसको और छोटे सेक्शन में करना है हमें, तो दूसरी छोटी सेक्शन जो बनेगी वो बनेगी 5 और 6 की। तो ये देखिए 5 से चलेगा और 6 पे आके समाप्त हो जाएगा ये। और देख रहे होंगे आप तो 9 का जगह यहाँ भी खाली है, और इस चित्र में अगर देखें तो 0 का जगह यहाँ भी खाली है, और इसी पे आपके पॉइंट लगने हैं। जैसे मान के चलिए आपको लगाना है किसी भी फिंगर में 1-2 LHM, मान के चलिए इस पे लिखते हैं हम लेफ्ट रिंग फिंगर 1/2 LHM, और इस पे पॉइंट लगाने हैं आपको 2-4-5-7-9-8-0-1-3-6-8 tone, ये पॉइंट आपको लगाने हैं। तो आपको कुछ करना नहीं है, ये सेक्शन अगर आपको, ये नंबर अगर आपको पता हो गया, ये नंबर अगर आपको समझ में आ गया तो आपके लिए बहुत अधिक कठिन नहीं होगा। क्या करना है आपको, करना कुछ नहीं है। तो हमने देखा 1 अपनी जगह पे है, 2 अपनी जगह पे है, हमें कुछ करना नहीं है, 1-2 LHM पे पॉइंट लगाना है। तो देखिए हम ड्रॉ करके आपको बता रहे हैं, देखिए ये 1 से चला और यहाँ 2 पे आके समाप्त हो गया। अब क्या करना है कि दशोत्पत्ति सिद्धांत में हमें 10 पॉइंट की बात करते हैं, 10 पॉइंट में से जितने पॉइंट हमें लगाना हो
उतने पॉइंट को हम टोन सीडेट करेंगे, जितने टोन करना है टोन कर देंगे, जितने को सीडेट करना है हम लोग सीडेट कर देंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने लिखा है 2 4 5 7 9 सीडेट 0 1 3 6 8 टोन। तो देखिए इसमें भी नंबरिंग कुछ कुछ ऐसा ही है। नंबर क्या है, यानी पहले वाले हॉरिजॉन्टल पे, फर्स्ट वाले जो हॉरिजॉन्टल है उस पे जो हमारा नंबर होगा 0 1 2 3 4, ये चार पॉइंट पहले वाले हॉरिजॉन्टल पे, और दूसरे वाले हॉरिजॉन्टल जो है, सेकंड वाली जो हॉरिजॉन्टल है उस पे जो हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा 5 6 7 8 9। अगर आपको RLBM LBM अगर याद होगा तो सेम कंडीशन यहां भी कुछ कुछ ऐसा ही है। पहले वाले हॉरिजॉन्टल पे ये वाले पॉइंट, दूसरे वाले हॉरिजॉन्टल पे ये वाले पॉइंट, कुछ नहीं करना है। अब देखिए क्या करना है आपको, तो पहले वाले हॉरिजॉन्टल पे देखिए नंबर यहां से शुरू होगा 1 2 LHM कर रहे हैं ना, तो यात्रा अपनी 1 से शुरू कर रहे हैं, 2 पे जाके समाप्त होगी अपनी यात्रा। तो 1 पे जहां से स्टार्ट कर रहे हैं ये हमारा हो गया 0। 0 के बाद इन दोनों ज्वाइंट यानी मिडिल ज्वाइंट, पित्त ज्वाइंट और कफ ज्वाइंट के बीच में हमारा जो नंबर होगा वो होगा 1, यहां पे 1 नंबर। और ये जो ज्वाइंट है यहां पे 2, 2 के बाद फिर 3, 3 के बाद फिर 4, और 4 के बाद फिर हम लोग दूसरे वाली हॉरिजॉन्टल पे जाएंगे, सेकंड वाली हॉरिजॉन्टल पे। तो 4 के ठीक सामने यहाँ नंबर आ जाएगा 5 6 7 8 9। ये पॉइंट का प्लॉटिंग है, इस तरह से ये पॉइंट की प्लॉटिंग है। अब देखिए हमें करना क्या है, हमें करना है टोन और सीडेट। तो देखिए टोन हम जो है येलो कलर से कर रहे हैं, अभी हमें टोन करना है 0 1 3 6 8। तो देखिए यहाँ पे हमारा 0 है, 0 को हमने टोन कर दिया येलो कलर से, अभी हम सिर्फ दिखा रहे हैं आपको 0 1 3 6 और 8, इसको हमने टोन कर दिया। सीडेट क्या करना है, सीडेट हमें करना है 2 4 5 7 9। तो देखिए सीडेट हम जो है कोई और कलर से कर देते हैं यहाँ पे दिखाने के लिए आपको। तो सीडेट करने के लिए 2 4 5 7 9 सीडेट करना है, तो देखिए 2 हमारा यहाँ है, 2 4 5 7 और 9, ये हमारा पॉइंट लग गया। पॉइंट क्या लगा हमारा, ये लगा हमारा पॉइंट लेफ्ट रिंग फिंगर 1 2 LHM 2 4 5 7 9 सीडेट 0 1 3 6 8 टोन, आसानी से लग जाएगा। वहीं अगर हमें लगाना है 3 4 LHM LHM, तो देखिए ये 3 नंबर है आपका, ये 4 नंबर है आपका, तो 3 से यहां से चलेंगे, सॉरी ये थोड़ा बाहर की तरफ जा रहा है, थोड़ा अंदर ही होगा जहां आप नंबर लिखते हैं वो, क्योंकि बाहर की तरफ, बिल्कुल बाहर की तरफ जो है वो आपके 0 9 LHM है। तो इस चार्ट में थोड़ी ड्रॉइंग थोड़ी सी वो साफ नहीं है, थोड़ा इसको हम मिटा देते हैं तो आपको अच्छे से दिखेगा, पूरा क्लीन कर देते हैं। सपोज डेट मान के चलिए आपको लगाना है 3 4 LHM, तो ये 3 है ये 4 है, तो मान के चलिए ये आपका 4 और ये आपका 3। तो देखिए यहां से 3 4 LHM लगाना है हमें, मान के चलिए यहाँ पे 1 2 के जगह इसको 3 4 LHM कर दीजिए, और पॉइंट आप चाहें तो इसको बदल सकते हैं, कुछ कम कर सकते हैं, सिंपल कर सकते हैं, 4 5 3 6 टोन कर सकते हैं। तो मान के चलिए हम पॉइंट जो है यहाँ पे कर दिए 2 4 5 3 7 टोन 0 टोन 9 सीडेट, ये प्रोटोकॉल हमें लगाना है, ठीक है। तो हमें कुछ करना नहीं है, 3 4 LHM है तो 3 से हमारी यात्रा शुरू होगी, 4 पे हमारी यात्रा समाप्त होगी। तो नंबर कुछ कुछ वैसे ही रहेंगे जैसा कि हमने पहले बताया आपको। तो देखिए यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा, 0 के बाद 1, उसके बाद इस ज्वाइंट पे हमारा 2, इस ज्वाइंट पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ 5 6 7 8 और यहाँ हो जाएगा हमारा 9। अब हमें पॉइंट लगाना है 2 4 5 सीडेट, तो देखिए 2 को यहाँ पे सीडेट कर दीजिए, 4 को सीडेट कर दीजिए, 5 को सीडेट कर दीजिए, 2 4 5 सीडेट। 3 7 को टोन करना है, तो देखिए 3 को टोन कर दिया आपने व्हाइट मैग्नेट लगा के, 7 को टोन करना है, 7 को टोन कर दिया आपने, 3 7 टोन, 0 टोन 9 सीडेट करना है, तो देखिए 0 टोन यहाँ ऑलरेडी इस तरह से लगा दिया हमने और 9 सीडेट, ये हो गया। 5 6 LHM लगाना है तो पीछे की तरफ चले जाइए, तो हमने बताया कि ये 5 और 6 जो है अंदर की तरफ आ जाती है, सॉरी नंबर हमने यहाँ पे बताया कि ये अंदर की तरफ आ जाती है। तो जैसे हमें 5 6 लगाना है तो ये देखिए इस तरह से,
ये हमारा हो जाएगा फाइव और सिक्स, ये हो गया फाइव और ये सिक्स, नंबर वैसे होगा जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और नाइन, जो आपको टोन करना है, जो आपको सिलेक्ट करना है आप आसानी से कर सकते हैं। और अंगूठे की बात करें तो इसमें अंगूठे में जो नंबरिंग होती है, इसमें अंगूठे में जैसे मान के चलिए आपको वन टू एल एच एम लगाना है, तो जैसे वन से चले और टू पे आके यहाँ समाप्त हो जाएंगे, ये वन हो गया और ये टू हो गया, तो यहाँ पे जो नंबर है आपके कुछ कुछ वैसे ही है, ये जीरो हो जाएगा बीच में यहाँ पे वन, और इस ज्वाइंट पे आपका नंबर टू, टू के बाद फिर थ्री और फोर, और दूसरी तरफ जाएंगे तो फोर के ठीक सामने यहाँ फाइव सिक्स, ज्वाइंट पे सेवन, यहाँ पे एट और नीचे जो है नाइन, इस तरह से ये डिवीजन है। तो जैसे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल आपने बनाया वैसे ही कुछ कुछ आपके उंगलियों में और अंगूठों में भी इसी तरह से हॉरिजॉन्टल लगा सकते हैं। जीरो नाइन हॉरिजॉन्टल लगाना है तो बिल्कुल बाहर बाहर चलेंगे, बिल्कुल बाहर बाहर, ये बिल्कुल बाहर बाहर जो बॉर्डर लाइन होती है साइड की, उस बॉर्डर लाइन पे लगेगा। तो जैसे जीरो नाइन एल एच एम लगाना है आपको, तो जीरो इधर नाइन इधर, तो जीरो के बाद यहाँ हमारा हो गया वन, ज्वाइंट पे टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और नाइन, समझ में आया आप लोगों को? समझ में आया आप लोगों को सर? मतलब थंब में फर्स्ट, आपकी आवाज नहीं आ रही है, समझ नहीं पा रहे क्या बोल रहे हैं आप सर? थंब में फर्स्ट जॉइंट के ऊपर दो पॉइंट्स है और नीचे एक ही है। जी जी जी, ये जो सेकंड जॉइंट है ना मैडम, ये वाला जॉइंट, हाँ। जो इनका फर्स्ट जॉइंट, यहाँ पे नंबर टू आएगा, टू और थ्री फोर दो इधर आ गए ना, हाँ ऊपर में फिर थ्री और फोर आ जाएंगे, और नीचे ओनली वन जीरो एंड वन ही है। जी 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 जी, जीरो 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 के बाद वन, वन के बाद टू, टू के बाद फिर थ्री और फोर ऊपर, हाँ। और फिर फाइव और सिक्स यहाँ जाएगा, फिर सेवन नंबर फिर ज्वाइंट पे, ज्वाइंट पे फिर एट और फिर नाइन। ओके, समझ में आया आप लोगों को? किसी को कोई कंडीशन हो, अगर समझ में नहीं आया हो तो हम फिर से बताएं आपको ड्रॉ करके। किन्हीं की कोई क्वेरी है, किन्हीं को समझ नहीं आया तो बता सकते हैं अभी। तिवारी जी ठीक है? ठीक है सर, ठीक है सर, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अब समझ में तो आ रहा है लेकिन। मुन्नी त्रिपाठी जी, मुन्नी त्रिपाठी जी, जी सर समझ में आ गया, सबसे पीछे वाले को समझना है, पाँच छह सात आठ समझना है। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो एक बार फिर से बता सकते हैं। ठीक है, एक बार हम और आपको जो है, यस सर, कल भी पूरी तरह जितना आपने समझाया वो हम ग्रास्प करते गए, आज इसमें अरविंद सिंह ने सही कहा, ये थोड़ा टफ लग रहा है सर। आप अभ्यास करेंगे तभी आप कर पाएंगे, हम बता रहे हैं आपको, क्योंकि हम लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा कठिन था, और हम लोगों, हमारे गुरु ने भी यही बात बोला कि हम जो बता रहे हैं उसका अभ्यास करोगे सीख जाओगे, नहीं तो फिर एलएचएम और स्पाइरल के चक्कर में पूरा दुनिया जो है लगे पड़े रहोगे जीवन भर, समझ में नहीं आएगा। और आपने थोड़ा सा अगर अभ्यास कर लिया ना तो वही आपका संस्कार बन जाएगा, संस्कार का मतलब है वो आपके दिनचर्या में शामिल हो जाएगा, आंख बंद करके भी लगाएंगे तो पॉइंट वही लगेगा सर। संस्थान में तो आपके पास पेशेंट ज्यादा था, हमारे पास होते पेशेंट्स भी कहाँ आते हैं? नहीं, पेशेंट ज्यादा होता कुछ नहीं होते, आप लगाइए ना पॉइंट, लगाइए एप्लीकेशन पार्ट। हम लोगों ने क्या किया ना, हम लोग डायरेक्टर थोड़ी ना वहाँ क्लिनिक वहाँ बैठने दे देते हैं पॉइंट लगाने के लिए, एक सेमेस्टर तक तो बैठने ही नहीं देते वहाँ पे, दूसरे तीसरे सेमेस्टर से आप पॉइंट लगाने बैठ सकते हैं। तो हम लोगों ने प्रैक्टिस कैसे किया, हम लोग क्या करते थे कि जो टीचर बताते थे हम लोगों को रूम में जाके, फिर हम लोग कॉपी पे उसको ड्रॉ करते थे, बहुत सारी पिक्चर बनाते थे, बार बार पॉइंट को लगाते थे, फिर उंगलियों पे इमेजिन करते थे उसको। क्योंकि जब तक आपकी इमेजिनेशन नहीं होगी, जब तक आप इमेजिनेशन नहीं करेंगे तब तक आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, वन किधर गया, फोर किधर गया, टू किधर, समझ नहीं पाएंगे। तो इमेजिनेशन करना चाहिए आपको, बैठे हो रात में सोए हो फिर भी उसमें भी दस मिनट के लिए दो मिनट के लिए इमेजिनेशन कीजिए कि हाँ ये पॉइंट ऐसे बताए ऐसे बताए। तो ये चीजें इमेजिनेशन करने से क्या होती है, वो सदा के लिए आपके दिमाग में जो है मेमोरी में सेट हो जाता है, तो आपको करना पड़ेगा। चलिए फिर से हम आपको बताते हैं एक बार, काफी भरी है पूरा आज से, क्योंकि जितना सरलतम हो सकता है उतना सरलतम तरीके से हम आपको समझा रहे हैं, तो आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो इससे बेहतर आपके लिए कुछ नहीं होगा।
देखिए जैसे कि ये आपकी फिंगर है, ये फिंगर का फ्रंट पार्ट है, ठीक है, ये फिंगर का बैक पार्ट है, ठीक है। अभी तक सामान्य तरीके से जो अपने नंबर लगा रहे थे, जो आपकी उंगलियों पे सामान्य नंबर थे, हम पहले उसको बता देते हैं फिर दूसरी चीज को बताएंगे। तो जो सामान्य तरीके से जो नंबर थे आपके वो थे 0, 1, 4, 2, 3। पीछे की तरफ जो नंबर थे वो थे आपके 9, 8, सॉरी 1 मिनट। हाँ ये नंबर तो ठीक है, ठीक ठीक 8 और 5, और दूसरी तरफ था 7 और 3, 6। 7 और 6 ये वाले नंबर आपके सामान्य तरीके से आपके फिंगर पे थे। हॉरिजॉन्टल में भी हम लोगों ने हर एक ज्वाइंट पे ऐसा ही कुछ देखा कि ये जो नंबर थे वैसे ही थे, पीछे वाले नंबर भी वैसे ही थे। लेकिन वहीं जब हम लोग लॉन्ग हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा इस चित्र को, तो आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। हमने क्या किया, हमने यहाँ कुछ कुछ ऐसा किया कि अभी तक जो सेक्शन हम लोग कर रहे थे, सेक्शन का तरीका हम लोगों ने बदला। यानी ये जो लाइन हम दे रहे हैं, ये जो बीच की लाइन हम दे रहे हैं, इसको आप ऐसा समझिए, हमारी फिंगर आप अगर देख पा रहे हो, आप ऐसा समझिए कि हमने इसको बीचों बीच काट दिया ऊपर से दो भागों में। दो भागों में जब हमने इसको काटा तो अभी आप दोनों को अलग अलग मान लीजिए, ये आगे का भाग है, फ्रंट का भाग है, और समझिए कि ये दोनों अलग अलग हो गए, इससे जुड़े हुए नहीं एक दूसरे से, अलग अलग है। ये बैक का हो गया, नेल साइड का। आप इमेजिनेशन कीजिए कि ये दोनों अलग अलग भाग हो गए। अब हमने सेक्शन कर दिया, तो सेक्शन करने के बाद जो एक हमारा शेप हुआ आगे का, ये वाला शेप हो गया आगे का, ठीक है, और दूसरा शेप जो हमारा कट होने के बाद ये हो गया, ये पीछे वाला शेप हो गया आगे और पीछे का। तो जब हमने एक शेप को काटा बीचों बीच इस तरह से, तो जहां से जिस सेक्शन से जिस जगह से हम काट रहे हैं, कोई एक पॉइंट होगा हमारा वो होगा 0, और कोई दूसरा पॉइंट होगा वो होगा हमारा 9, जहां से हम बीचों बीच काट रहे हैं, सपोज डेट मान लीजिए, ठीक है ना। तो एक लंबी हॉरिजॉन्टल की बात करें, एक लॉन्ग हॉरिजॉन्टल की बात करें, तो ये बीचों बीच काट रहा है इसको, यानी अगर देखा जाए तो 0, 9, LHM, यानी ये सबसे लंबी हॉरिजॉन्टल कट गई हमारी आगे पीछे दोनों साइड से, यानी सबसे लंबी हॉरिजॉन्टल हो गई हमारी 0 और 9, जिसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं 0 और 9 के रूप में। ये इस तरह से बिल्कुल बाहर बाहर अपने सेंटर पार्ट से कट कर दिया, बिल्कुल ऐसे करके कट कर दिया। उसके बाद फिर आगे वाले भाग को, जो हमारा आधा टुकड़ा आगे वाला है, इसमें हमें और टुकड़े करने हैं। और टुकड़े इसलिए करने हैं कि यहाँ कोई ऐसा पार्ट है, सॉरी सपोज डेट आपका कोई ऑर्गन है, और उसके इस भाग अंदर वाले भाग में आपको समझिए कि ऑपरेशन लाइक सर्जरी लाइक ट्रीटमेंट करना है आपको, तो ऐसे कंडीशन में इसके हमें और टुकड़े करने हैं। और टुकड़े करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और स्लाइस काटनी पड़ेगी, यानी इसको यहां से और काट देना होगा हमें। इसको हमने एक भाग और कट कर दिया, एक भाग जो हमने इसको कट कर दिया तो वो हमारा बना 3 और 4, यानी 0, 9 के बाद दूसरी बड़ी कट हमने जो किया वो किया 3 और 4 का। ये देखिए इस तरह से हमने काट दिया, 3 और 4 के बीच में 2 कट लगा दिया हम लोगों ने, तो ये हमारी दूसरी बड़ी हॉरिजॉन्टल कटिंग हो गई, ठीक है। उसके बाद हमें लग रहा है कि आगे वाले सेक्शन को एक कट और करना है, यानी इसके एक और भाग में इसको कटिंग करनी है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट कटिंग होगी हमारी, इससे छोटी स्लाइस कटिंग होगी, वो होगी यहाँ पे इस तरह की, एक स्लाइस हमने और काट दिया, और ये स्लाइस जो हमारा कटा वो कटा 1 और 2 का, ये 2 स्लाइस कट गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ 0 और 9 का हमने बात नहीं किया, क्यों, क्योंकि हमने सेक्शन का तरीका बदल दिया, ये जगह इन्होंने बदल दिया अपना, ठीक है। ये आपके 1 और 2 ये सेक्शन आपके कट गए। लेकिन वही पीछे की तरफ बात करें, अब हमारा देखिए आगे का सेक्शन हो गया, हमने इतने सेक्शन में इसको काट दिया, हम आसानी से किसी भी ऑर्गन का सर्जरी लाइक ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा बैक का टुकड़ा है, आधा टुकड़ा जो हमारा पीछे है, उसे भी हमें अन्य टुकड़ों में काटना है। अन्य टुकड़ों में काटने के लिए जो हमारे सामान्य नंबर है पीछे अगर देखें तो बाहर की तरफ 5 और 6 है, अंदर की तरफ 8 और 7 है। तो आप बताइए अगर हम यहाँ पे एक सेक्शन, अगर बड़ा सेक्शन कट करें और यहाँ अगर हम 5 और 8 लिख दें, इससे छोटा सेक्शन फिर कट करें और यहाँ 7, यहाँ पे 5 और 6 और यहाँ पे 7 और 8 लिख दें,
तो वो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि नंबर के हिसाब से देखें तो नंबर तो छोटा है लेकिन एरिया बड़ा कवर कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे क्या कर दिया गया, नंबर को थोड़ा सा यहाँ पे नंबर में चेंज कर दिया गया, यहाँ पे कम कर दिया गया, हटा दिया गया। तो देखिए इसको यहाँ पे हम फिर से आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ किया ये गया कि पीछे के साइड में जो आधा स्लाइस है हमारा पीछे का, उसको फिर हमने एक बड़े स्लाइस में काटा, बड़े भाग में काटा, जो कि हमारा कटा कौन सा 8 और 7 के रूप में। उसके बाद उससे छोटी स्लाइस हमने फिर काटी, और वो स्लाइस हमारी कटी कौन सी, वो कटी हमारी 6 यानी 5 और 6 की। तो ये यहाँ जो आपने देखा ये कुछ कुछ ऐसा ही है और कुछ नहीं है। तो अगर हम 1-2 LHM लगाते हैं, यानी 1 से अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे, 2 पे आके समाप्त हो जाएंगे, यानी 0, 1, 2, 3, 4 ये पॉइंट जो है आपके 1 वाले हॉरिजॉन्टल तक में इसमें आ जाएंगे, और दूसरे वाले हॉरिजॉन्टल में जब आप प्रवेश करेंगे तो 5, 6, 7, 8 और 9 यहाँ के पॉइंट आपके कंप्लीट हो जाएंगे। सेम कंडीशन सभी पे होगा। तो जैसे देखिए यहाँ पे अगर मान के चलिए पीछे की तरफ अगर हम 5, 6 की बात कर रहे हैं, तो देखिए ये 5 से स्टार्ट हो रहा है और 6 पे आके समाप्त हो रहा है, ये हो गया 5, 6 LHM। तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा 0, 1, 2, 3, 4 4 के ठीक बगल में 5, 6, 7, 8 और 9। इस पे हमें जो पॉइंट हमें कम और ज्यादा करना है, यानी जिस पॉइंट की एनर्जी हमें बढ़ानी है, जिस पॉइंट की एनर्जी हमें घटानी है, हम यहाँ पे टोनिफिकेशन सेडेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब समझ में आया आप लोगों को? हेलो, यस सर। जी सर, यस सर। एक थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, बताइए। सर, जैसे आपने 5 की जगह 8 कर दिया, 8 की जगह 5 किया है, तो 5 की एनर्जी अर्थ है और 8 की एनर्जी मन है, तो ये तत्व भी चेंज हो गए? नहीं, तत्व चेंज नहीं हुए, जैसे हॉरिजॉन्टल का सेक्शन का तरीका हमने बदला ना, तो वो नंबर जब बदलते हैं तो वही गुण और कर्म हमें इसमें मिलेगा। अगर 5 और 5 और 6 हॉरिजॉन्टल अगर हम लगा रहे हैं वहां पे, तो हमें रिजल्ट भी 5 और 6 का ही मिलेगा। मतलब वो दिशा, वो समय और काल और पृथ्वी का ही मिलेगा ना? बिल्कुल मिलेगा, उसी का मिलेगा। वही ये जो मिलेगा आपका नंबरिंग इसलिए बदला गया, क्योंकि अगर आप देखें कि अगर ये नंबर हमारा यहाँ होता 5 और 6, तो समझिए क्या 0, 9 के बाद बड़ी हॉरिजॉन्टल कट जाती और 5, 6 की, लेकिन फिर 7, 8 छोटी हॉरिजॉन्टल हो जाती ना। हाँ सब वो ठीक है, नंबर बड़ा हॉरिजॉन्टल छोटा, नंबर बड़ा हो जाता हॉरिजॉन्टल छोटा हो जाता, तो इसलिए नंबर को सिर्फ शिफ्ट किया गया, 5 को अंदर कर दिया गया, 8 को बाहर कर दिया गया, 6 को अंदर कर दिया गया, 7 को बाहर कर दिया, बस इतना ही अंतर है और कोई अंतर नहीं। एनर्जी बड़ी थी, एनर्जी बड़ी है इसलिए बड़े बड़े चॉप में उसको रखा गया। सर, मेरे को भी वही लग रहा था कि एनर्जी, क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा है, उसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए 7-8 की एनर्जी बड़ी एनर्जी है, इसलिए वो उसका चॉप अलग। जैसे हम लोगों ने छोटा उंगली, छोटी उंगली रखा हुआ, छोटी उंगली 1-2, इससे बड़ी वाली 3-4, उसी तरह उसी पैटर्न में जो 7-8 बड़ी एनर्जी थी इसलिए बड़े चॉप अप में, और जो छोटा चॉप हुआ वो 5-6। अब बताइए आपको, अभी हमने और भी पूरा क्लैरिटी कर दिया इसमें, इस तरह से ड्रॉ करके आपको। अब देखिए यहाँ भी 0 का जगह खाली है, यहाँ भी 9 का जगह खाली है, 0, 9 अपने जगह पे यहाँ पे आ गए, ठीक है ना। तो आपको ऐसे ही पॉइंट लगाना है। अब तो हॉरिजॉन्टल हमारे लगता है कि LHM भी आपको समझ में आ गया होगा, लगा पाएंगे कि नहीं आप लोग? सर लग तो रहा है, लगा लेंगे, अब एक कोई हॉरिजॉन्टल का नाम बताइए, हम आपको लगा के दिखाते हैं तो आपको और समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट अच्छे से। कोई एक हॉरिजॉन्टल बताइए किस पे लगाए हम, आपको पॉइंट लगा के दिखा देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा और अच्छे से। कोई एक LHM का नाम लीजिए आप। 0-9 पर लगा के दिखा दीजिए एक बार। ठीक है, अंगूठे पे दिखाएं या फिर इस पे दिखाएं आपको? अंगूठे पर। यस सर, अंगूठे पे दिखाएं। ठीक है, तो देखिए अंगूठे पे जो हमारा 0 आएगा वो फिंगर की तरफ आएगा यहाँ पे, और बाहर की तरफ हमारा 9 आएगा, ठीक है ना, ऐसे ही सेम। तो 0 से हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 के बाद ये जो आपका फर्स्ट ज्वाइंट है,
करना फर्स्ट में, इन दोनों के बीच में जो हमारा नंबर आएगा वो आएगा वन, ज्वाइंट पे हमारा नंबर आएगा टू, उसके बाद हमारा नंबर आएगा यहाँ पे थ्री, उसके बाद का नंबर आएगा फोर, और फोर पे दूसरी तरफ आएंगे तो यहाँ हमारा नंबर आएगा फाइव सिक्स, ज्वाइंट पे आ जाएगा हमारा सेवन एट, और यहाँ हमारा आ जाएगा पॉइंट नंबर नाइन। तो सपोज डेट मान के चलिए लेफ्ट हैंड है तो हम लिखते हैं यहाँ पे प्रोटोकॉल लेफ्ट थंब है ना, लेफ्ट थंब जीरो ऑब्लिक नाइन एल एच, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट बताइए क्या लगाना है आपको, आप में से कोई बताइए क्या पॉइंट लगाना है आपको, क्या सर? थ्री फोर डेट, टू थ्री फोर डेट, ओके ओके। सर बहुत आवाज कर रहा है, हाँ जी आवाज हो रहा है बहुत ज्यादा, इको हो रहा है, माइक बाकी लोग बंद कर लीजिए। टू थ्री फोर डेट, फाइव सिक्स टोन, जीरो टोन, नाइन डेट, ठीक है ना, ये प्रोटोकॉल मान के चलिए लगाना है आपको। तो देखिए LHM का अगर आपको ज्ञान है कि हमको कहाँ लगाना है 09, तो आपको सिर्फ टोनिफिकेशन सीडेशन करना है। तो देखिए 24 सीडेट करना है, मान के चलिए 234 को सीडेट करना है, और सीडेट करने के लिए हम लोग येलो कलर का यूज कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए 2 को सीडेट कर दे रहे हैं, यहाँ हम जहाँ सीडेट कर रहे हैं वहाँ डार्क कर दे रहे हैं, 2 3 4 सीडेट, 5 6 को टोन करना है, तो टोन करने के लिए पहले 09 को भी सीडेट करना है, तो 9 को हमने सीडेट कर दिया। उसके बाद टोन क्या क्या करना है, 5 6 0 5 6 ना, तो टोन करने के लिए हम लोग ब्लू कलर का यूज कर रहे हैं इसे दिखाने के लिए आपको। तो देखिए 5 को हमने टोन कर दिया, 6 को टोन कर दिया, और 0 को टोन कर दिया, ये हमारे प्रोटोकॉल लग गए। लेफ्ट थंब पे 09 LHM, 2 3 4 सीडेट, 5 6 टोन, 0 टोन, 9 सीडेट, ठीक है जी सर, समझ में आया। और ये बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है, बिल्कुल बाहर की ओर है, तो बहुत अधिक कठिन नहीं है, पर थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए इसमें। जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप मेहनत करेंगे, बार बार ड्रॉ करेंगे, उससे थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। और पॉइंट का जो लोकेशन है ना, नंबर, वो बार बार लिखिए अपनी फिंगर पे, पेन ले लीजिए और उसके नंबर को प्लॉटिंग को लिखिए आप। जब आप लिखेंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ LHM में अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं तो कौन कौन से नंबर हमारे इधर आएंगे, कौन कौन से नंबर इधर आएंगे। और जो 09 LHM है ना, बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है, जिसको चाइनीज में हम लोग बोलते हैं इन यांग बॉर्डर, ये यहाँ से बॉर्डर पे बिल्कुल बिल्कुल बीचों बीच चलेंगे, और फिर इधर भी साइड में आके यहाँ के समाप्त होगा बीचों बीच। यानी 9 नंबर हमारा इधर लगेगा अंदर में, ना हमें आगे से दिखेगा ना हमें पीछे से दिखेगा, साइड से हम देखें तो हमें ये दिखेगा इधर का, और साइड से देखें तो हमें ये वाला दिखेगा अंदर से 09। क्लियर है? तो आज का यही रहने देते हैं। अब रहा आपका अपोजिट फ्लो इन दोनों का, और स्पाइरल, ये दो चीजें रही, तो नेक्स्ट क्लास में इसको भी हम कंप्लीट कर देंगे आप लोगों का। आज समझ में आया होगा कुछ कुछ, ऐसा नहीं है नहीं आया होगा, बस प्रैक्टिस की जरूरत है, बिना प्रैक्टिस के कुछ होता नहीं है, प्रैक्टिस की जरूरत है, और नंबर का खेल है। सर ये तो समझ में आया, लेकिन RLVM में बड़ा गड़बड़ हो रहा है, वो नहीं हो पाएगा, वो तो थोड़ा सा कठिन लग रहा है। क्यों कठिन लग रहा है आपको? वो थोड़ा RLVM में है क्या? RLVM तो और इजी है। देखिए RLVM में क्या है, देखिए एक बार हम फिर से ड्रॉ करके आपको बता दे रहे हैं, कोई कंफ्यूजन मत रखिए, जो भी दिक्कत है बता दीजिए तो उसको जो है क्लियर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जैसे RLVM आपको लगाना है, सपोज डेट मान के चलिए हम इसको हटा दे रहे हैं, RLVM में क्या दिक्कत है आपको, समझ में नहीं आया? RLVM, RLVM का मतलब क्या हो गया, रीजनल लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन, ठीक है ना जी। तो आप सभी को पता है कि आपकी उंगलियों पे कितने वर्टिकल मेरिडियन है, एक उंगली की बात करें, एक उंगली पे कितने वर्टिकल मेरिडियन है? 10 है, ठीक है। तो देखिए 10 वर्टिकल मेरिडियन पहले हम लोग बनाते हैं, एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कहीं। ये देखिए हमारा 10 वर्टिकल मेरिडियन हमने बना लिया। अब सबके नंबर हम लिख देते हैं 10 वर्टिकल मेरिडियन के। ये सेंटर में जो हमारा नंबर है वो 0 1, और इसको हम लोग 4 मान लेते हैं, 2 और 3। पीछे की तरफ जाएं तो सेंटर में हमारा नंबर है 9,
एट अंगूठे की तरफ, एट और फाइव, दूसरी तरफ सेवन और सिक्स, इतना ये नंबर तो पता है आपको वर्टिकल में। जी 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 ठीक है। अब रीजनल का मतलब होता है पास, रीजनल का मतलब होता है बिल्कुल आस पास की मेरिडियन से आपको जुड़ना है। तो किसी भी आप नंबर का, किसी भी वर्टिकल का नंबर नाम लीजिए आप, किसी भी वर्टिकल नंबर का नाम लीजिए आप, बबली जी आप किसी भी वर्टिकल का नाम लीजिए। टू थ्री मत बोलिए आप, कोई एक वर्टिकल का नाम बोलिए आप। ठीक सेवन सर। सेवन, तो देखिए सेवन यहाँ आपको इंडिकेट हो रहा है ना, दिख रहा है सेवन। जी जी। तो ये वर्टिकल मेरिडियन जैसे हमें आरएलबीएम बनाना है तो ये बिल्कुल अपने पास की किसी मेरिडियन से जुड़ेगी, है ना। और जब हम लोग आरएलबीएम की बात करते हैं तो छोटे से बड़े मेरिडियन की तरफ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम बोलेंगे सेवन नाइन बोलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं बोलेंगे कि नाइन सेवन, ठीक है ना। तो जैसे सेवन के बगल में कौन सी वर्टिकल है, देखिए तो सेवन नाइन है ना, तो यानी यहाँ पे सेवन ऑब्लिक नाइन आरएलबीएम लग सकता है कि नहीं लग सकता है, सेवन नाइन आरएलबीएम लग सकता है ना। तो देखिए यहां से हम स्टार्ट करेंगे, यानी सेवन से अपनी यात्रा हम स्टार्ट करेंगे, सॉरी, और एट पे जाके हम समाप्त हो जाएंगे, यहाँ पे रुक जाएंगे हम। अब इसी के बीच में हमें जो भी पॉइंट टोन करने हैं, सीडेट करने हैं, हम कर सकते हैं। तो मान के चलिए सेवन नाइन आर एल बी एम पे हमें लगाना है 2 4 5 सीडेट 3 7 टोन, तो हमें कुछ करना नहीं, हमें नंबर पता होना चाहिए हमारा कौन सा नंबर कहाँ आएगा। तो जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा हो गया जीरो, जीरो के बाद हमारा नंबर ये हो गया वन, ज्वाइंट पे हमारा नंबर हो गया टू, इन दोनों ज्वाइंट के बीच में हमारा नंबर हो गया थ्री, और यहाँ पे हो गया हमारा फोर। उसके बाद दूसरी मेरिडियन, दूसरी वर्टिकल मेरिडियन पे जहां जा रहे हैं उस पे हमारा नंबर हो जाएगा फाइव सिक्स, ज्वाइंट पे सेवन एट, और यहाँ हमारा नाइन। अब बताइए इसमें से क्या कठिन है, बहुत इजी है, आसान है। अब मान के चलिए इसमें से आप, इसमें से आपको सपोज डेट मान के चलिए कुछ टोन करना, कुछ रेट करना है, तो ये नंबर की प्लॉटिंग अगर आपके दिमाग में रहेगा तो मान के चलिए हमें 2 4 5 सीडेट करना है, तो देखिए हमने 2 को सीडेट कर दिया यहाँ पे, 2 4 5 सीडेट। 3 7 को टोन करना है तो 3 को हमने टोन कर दिया, 7 को हमने टोन कर दिया, लग गए हमारे पॉइंट। जी ठीक है ना, अभी तो आसान, अभी तो आ गया समझ में बाद में। आप 6 7 6 7 6 7 पे जा सकते हैं, 6 7 आरएलबीएम लग सकता है, 7 9 आरएलबीएम लग सकता है, 8 9 आरएलबीएम लग सकता है, फिर 5 से 8 पे जा सकती है, 5 8 आरएलबीएम लग सकता है, फिर पीछे की तरफ देखें। हाँ जी सर, 4 5 लग सकता है, क्यों नहीं लगेगा। देखिए यहाँ पे इस चित्र में देखिए आप, ये आपकी फिंगर है, ठीक है ना, सेंटर में जीरो है और अंगूठे की तरफ 1 4 2 और 3, ठीक है ना। पीछे की तरफ देखें सेंटर में तो 9 और अंगूठे की तरफ जो नंबर हमारा 8 और 5, दूसरी तरफ हमारा नंबर है 7 और 6। तो देखिए ये 0 1 आरएलबीएम हो सकता है कि नहीं, हो जाएगा आराम से, 0 1 आरएलबीएम हो सकता है, 0 2 आरएलबीएम भी लग सकता है, लग सकता है कि नहीं। बिल्कुल सर। उसके बाद और कौन आरएलबीएम बन सकता है, 2 3 आरएलबीएम भी बन सकता है, यस सर, 1 4 आरएलबीएम भी बन सकता है, 1 से 4 पे जा सकता है, 2 से 3 पे जा सकता है, फिर हम चाहें तो 3 6 आरएलबीएम भी लगा सकते हैं, 3 से 6 आरएलबीएम, और 4 5 4 के ठीक बगल में 5 है ना, तो 4 5 आरएलबीएम भी लग सकता है। हम 5 8 आरएलबीएम लगा सकते हैं, 8 9 आरएलबीएम लगा सकते हैं, 6 7 आरएलबीएम लगा सकते हैं, 7 9 आरएलबीएम लगा सकते हैं, और जो आस पास है बिल्कुल कॉमन रहने वाला, जैसे मान के चलिए हम 0 1 आरएलबीएम लगा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ चाहें तो एक साथ हम 2 आरएलबीएम लगा सकते हैं, 0 1 / 0 2 2 आरएलबीएम, तो 0 वाले पॉइंट हमारे कॉमन हो जाएंगे, 0 से 1 0 से 2 पे भी चले जाएंगे। सर यहाँ पर 0 वाले वही रहेंगे, 1 पे अलग पॉइंट लगेंगे और 2 पे अलग पॉइंट लगेंगे। इसमें क्या करना है, जैसे 2 वर्टिकल जोड़ रहे हैं तो पहले वाले वर्टिकल पे जो पॉइंट रहेंगे 0 1 2 3 4 ये नंबर रहेंगे, और दूसरे वाले वर्टिकल पे जिधर भी जाएं, चाहे हमें 1 पे जाना हो चाहे हमें 2 पे जाना हो, तो उस पे जो नंबर जाएगा हमारा वो जाएगा 5 6 7 8 9 ये नंबर जाएगा। तो 5 6 7 8 9
टू पे भी होगा और वन पे भी होगा। बिल्कुल करेक्ट, आप सही समझ गए। जो पॉइंट सेलेक्ट करने होंगे वो सेलेक्ट करेंगे, राइट राइट राइट, यानी जीरो पे जो हमारा नंबर जाएगा वो जीरो से लेकर प्रोटोकॉल दो, प्रोटोकॉल एक ही होगा कि दो होगा? प्रोटोकॉल एक ही हो सकता है, पॉइंट कॉमन होंगे, टू और वन पॉइंट कॉमन डिफरेंट होंगे। हाँ, अब ये प्रोटोकॉल भी आपको हम लगा के दिखाते हैं तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा। सर एक्चुअली मैं कल थानी पीछे क्लास नहीं किया हूँ। कोई बात नहीं, लेकिन पर आप समझ अच्छा रहे। अब देखिए हम आपको एक प्रोटोकॉल लगा के दिखाते हैं ये जनरेटिव वाले। जैसे मान के चलिए लेफ्ट इंडेक्स फिंगर 0/1 0/2 RLVM पे 4-5 सीडेट 3-6 टोन 0 टोन 9 सीडेट, ये प्रोटोकॉल लगाना है हमें, ठीक है ना। लेफ्ट इंडेक्स फिंगर 0/1 0/2 RLVM 4-5 सीडेट 3-6 टोन 0 टोन 9 सीडेट। अब देखिए यहाँ आपको कुछ करना नहीं है, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ दिख रहा है जीरो वर्टिकल भी दिख रहा है, टू वर्टिकल भी दिख रहा है, वन वर्टिकल भी दिख रहा है, करेक्ट, क्लियर है जी। तो देखिए यहाँ से चलेंगे हम, अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे। जीरो यहाँ वन, ज्वाइंट पे टू, टू बीच में थ्री, ऊपर बीच में फोर, ये हो गया। अब देखिए अगर हम यहाँ से इधर की ओर जाते हैं तो यहाँ हमारा हो जाएगा फाइव फाइव, और इधर भी अपोजिट में इधर फाइव वो भी रहेगा एट, और इधर हो जाएगा नाइन। और अगर हमें इधर भी जाना है, एक साथ दो प्रोटोकॉल लगाना है, तो इधर से इधर भी जाएंगे तो यहाँ भी हमारा हो जाएगा फाइव फाइव सिक्स, नीचे टू सिक्स सेवन एट, और यहाँ हो जाएगा नाइन नाइन, करेक्ट। तो देखिए सपोज डेट आपको जीरो टोन नाइन सीडेट करना है 0/1 0/2 RLVM में, ठीक है ना जी। तो देखिए जीरो यहाँ पे हमने एक सिंगल मैग्नेट व्हाइट मैग्नेट लगा दिया यहाँ पे जीरो टोन, करेक्ट, और नाइन सीडेट दोनों साइड हो जाएगा, इधर भी नाइन हो जाएगा ना और इधर भी नाइन हो जाएगा, इधर भी नाइन हो जाएगा। तो जीरो जो, हो गया। जो फाइव सिक्स एक मिनट सर, जो फाइव सिक्स सेवन एट नाइन है वो दोनों पे लगेंगे और जीरो पे कॉमन लगेगा। हाँ जीरो कॉमन लगेगा, वो यहाँ पर चार मैग्नेट में काम चलाना और यहाँ आठ मैग्नेट में काम चलाना, मतलब बिल्कुल कम मैग्नेट में काम हो जाएगा पूरा जी जी। अब देखिए यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा, यहाँ पे लिखा है हमने प्रोटोकॉल जो लिखा है हमने वो लिखा है लेफ्ट इंडेक्स फिंगर 0/1 0/2 RLVM पे 4-5 सीडेट 3-6 टोन 0 टोन 9 सीडेट। तो देखिए 0 पे 1 2 3 4 आएंगे जो आने वाले। हाँ हाँ, तो ये 0 1 2 3 4 तो इस नंबर पे आ गए 0 वर्टिकल पे बीच वाले पे 0 पे, करेक्ट। और बाकी देखिए आप यहाँ देखिए अगर हमें 3-6 टोन करना है तो देखिए 3 यहाँ पे एक मैग्नेट यहाँ टोन हो गया, 6 यहाँ टोन हो गया, 6 यहाँ टोन हो गया, यानी 3 ये हो गया, 6 इधर हो गया, फाइव फोर फाइव सीडेट करना है तो 4 देखिए कॉमन है बीच में जी। तो 4 सीडेट इधर हो गया, 5 सीडेट इधर हो गया, यानी 3 टेप अगर काटे तो देखिए आपका आराम से ये जो है प्रोटोकॉल लग जाएगा, करेक्ट करेक्ट सर। सर स्क्रीन को दूसरे की स्क्रीन को बड़ा कर सकते हैं, जैसे मेरी स्क्रीन को आप, हाँ आपकी स्क्रीन आप स्वयं बड़ा कर सकते हैं जूम के, जूम करके। समझ में आया आपको? मुझे समझ में आ गया। बाकी ये चीज हमारे क्वेश्चंस और हैं, मैं तो चूंकि पहली बार मतलब इधर आपसे मिला, अच्छा लग रहा है इंटरेक्शन। हमें हॉरिजॉन्टल मेरिडियन और वर्टिकल मेरिडियन यहाँ पे 0-9 की पोजीशन चेंज हो जानी है और वर्टिकल में सिमेट्रिकल रहनी है जैसे प्रीवियस होनी है, चेंज है कि 0-9 को चेंज हो जाना है, 0-9 और 5 और 8 अपना जगह बदलेंगे, 6 और 7 अपना जगह बदलेंगे, अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, करेक्ट सर। ये मुझे क्लियर, बस डिफरेंट मेन डिफरेंस यही है केवल, बस ये डिफरेंस है, बाकी पॉइंट वही रहेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब मतलब ये हो गया ना कि जिस तरह से क्लास में बताते हैं आपको ड्रॉ करके, बिल्कुल एकदम आसान तरीके से हमने आपको एक एक चीज ड्रॉ करके जैसे बोर्ड पे पढ़ाते हैं ना वैसे ही हमने आपको बताया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बस आपको इसको इस वीडियो को 2-4 बार देखिए और नंबर को प्लॉट कीजिए। मेरा तो स्क्रीन नहीं दिखेगा, देखिए मैंने बनाया था अपने से एक दिन वीडियो देख के किसी का, अच्छा अच्छा, तो अभी दिखेगा नहीं मेरी स्क्रीन, तो आपको मैंने वीडियो देख के ये बनाया हुआ, पता नहीं आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे, ये मैंने वैसे ड्रॉ किया था इसको, कोई बात नहीं, चले नहीं दिख रहा होगा, मैंने किसी का वीडियो देख के एक दिन बनाया था ऐसे ही, कोई बात नहीं सर, ये क्लियर हो गया। ये तो आज का कक्षा हम लोग यहीं तक रखते हैं, आशा करते हैं आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा हमारी बात। अच्छा सर, बहुत अच्छा, एनर्जी है, एक एनर्जी दूसरे जगह तक पहुंच रही है, कितना पहुंच पा रही है, कितना हम पहुंचा पा रहे हैं ये तो हम नहीं कह सकते, पर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आएगा। बीच में भी हम लोग आपसे संपर्क कर सकते हैं।
आज अच्छा समझ में आया है काफी। अब हम सर को क्लास समझ में आया है, बाकी तो हमारी मेहनत है। निरंजन जी आप अपना नंबर शेयर कर पाएंगे? नंबर सर सर हैं आप लोग के साथ, हम सर के साथ हैं, सर के साथ हैं। सर बहुत अच्छा से समझ में आया। आप लोग जो है बस एक काम करिए कि सारे लोग कॉपी ले लीजिए और हर मेरिडियन को 10-10 बार ड्रॉ करिए। अगर एक ही दो मेरिडियन को मान लीजिए ड्रॉ करना चाहते हैं एलबीएम या वर्टिकल मेरिडियन, तो कम से कम दो मेरिडियन को ड्रॉ करिए, एलवीएम दो तीन मेरिडियन को ड्रॉ करिए, एलएचएम ड्रॉ करिए, अपोजिट फ्लो ड्रॉ करिए, ये आप कर लीजिए और 3-4 दिन करिए केवल, आपको कम से कम कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे, जो कुछ प्रॉब्लम होगी यहाँ तक हो जाएंगे। ऐसे सीखना है क्योंकि जब तक आप कॉपी बनाइए, वो जरूरी स्लेट बनाइए, अपने यहाँ बोर्ड बनाए हुए तो बोर्ड ले लीजिए, उसमें बनाइए और बनाइए जरूर, सवेरे आधे घंटे प्रैक्टिस करिए और ये वीडियो सुनिए। वीडियो सुनने से क्या होगा, रिकॉर्डिंग सुनने से जहां कहीं कंफ्यूजन आपको होगा वहां ठीक हो जाएगा, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे एक बार दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाए कि हमको सीखना है आज, सीख जाएंगे। ठीक है, दो ही टफ है थोड़ा, सबसे एलएचएम थोड़ा सा टफ है क्योंकि वो 09 की पोजिशन पे, 3 कंडीशन लिखिए, नंबर 1 09 की पोजिशन बदल जाएगी, नंबर 2 09 साइड में आ जाएंगे, नंबर 3 सब 0 और 9 जो है स्पेस खाली रहेगा, नंबर 4 जो 1 और 2 दोनों एक साथ रहेंगे सबसे आगे सबसे छोटी स्लाइस रहेगी, 3-4 उससे बड़ी स्लाइस होगी, सबसे पीछे 5 और 6 आएंगे और उसके बीच में 0-9 के बगल में 7 और 8 आएंगे। ये ऐसे लिख भी लीजिए और बनाइए और हमेशा फ्लो 5 से 6, 7 से 8 इस तरह होगा, 1 से 2, 3 से 4। एक बात हम जरूर बोलेंगे, जिनका वर्टिकल क्लियर है और हॉरिजॉन्टल क्लियर है उसको आगे दिक्कत नहीं होना है, लेकिन जिनका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्लियर नहीं उनको आगे दिक्कत होगा 100%। हाँ, वर्टिकल तो बेस है वो तो, जब तक क्योंकि नंबर या तो वर्टिकली चल रहा है या तो हॉरिजॉन्टली चल रहा है, वो क्लियर करिए, लेकिन ये वाला जो है थोड़ा सा एलएचएम हमको भी समझने में थोड़ा सा समय लगा था, इसमें कोई शक नहीं, और एलएचएम मैं आरएलएचएम समझ रहा था लेकिन एलएचएम नहीं समझ पा रहा, तो एलएचएम थोड़ा सा इसीलिए मुझे भी टफ लग रहा है, हमें तो लगा था आप लोगों सरल लगा होगा, बात दूसरी है लेकिन एलएचएम थोड़ा सा टफ है, वो स्लाइस जब तक अच्छा लेडीज यदि समझ जाएंगी स्लाइस वो काटती है तो उनको समझ में आ जाएगा, हमको समझ नहीं आ रहा है खरबूजे को ऐसे काटे ऐसे काटे ऐसे तो वही सर खरबूजे वाला जो दिए थे सर, आप लोग खूब प्रैक्टिस करिए, बुलाइए किसी को, फोन कराइए उसको, जी सर। ठीक है, थैंक यू नमस्कार सर, बहुत अच्छा क्लास रहा, एक्सेलेंट सर, थैंक यू।